एक खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूँगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे। तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुँचाता है। सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है। अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूँ, आपको भी रहना चाहिए। आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हों। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रैम्पेज मूवी के बारे में बता रहे हैं, जब तीन अलग अलग जानवर एक खतरनाक रोगजनक के संक्रमित हो जाते हैं तो एक प्राइमेटोलॉजिस्ट और एक आनुवंशिकविद उन्हें शिकागो को नष्ट करने से रोकने के लिए टीम बनाते हैं। एथेना एक जीन हेरफेर कंपनी एनर्जी से स्वामित्व वाला एक अंतरिक्ष स्टेशन एक प्रयोगशाला चूहे के उत्परिवर्तित के कहर बर पाने के बाद नष्ट हो जाता है। डॉक्टर कैरी एटिकस अगले जीवित चालाक दल के सदस्य को सीआईलो कैलेयर वेडेन द्वारा एक रोगजनक वाले अनुसाधन कन स्तरों को पुनः प्राप्त करने के आदेश दिया गया है। जब स्टेशन फट जाता है तो एटकिस एस्केप पॉड से भागने में सक्षम हो जाता है, लेकिन चूहे से नुकसान के कारण यह फिर से प्रवेश करने पर बिखर जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। गिरने वाले टुकड़े संयुक्त राज्य भर में मलबे का एक निशान छोड़ते हैं, जिसमें फ्लोरिडा में एवरग्लेड्स में शामिल है, जहां एक अमेरिका मगरमच्छ द्वारा एक कनस्तर का सेवन किया जाता है। और वायोमिंग में एक जंगल जहां एक के भेड़ियाँ रोगजनक के संपर्क में है। प्राइमेटोलॉजिस्ट डेविस आक्यो एक पूर्व अमेरिकी सेना के विशेष बल सैनिक और एक अवैध शिकार विरोधी इकाई के सदस्य सैन डिएगो वन्यजीव अभयारण्य के में काम करते हैं। उसने जॉर्ज नाम के एक दुर्लभ अलीबनो पश्चिमी तराई गोरिल्ला से मित्रता की है, जिसने उसे शिकारियों से बचाए हैं। और सांकेतिक भाषा और हाथ के इशारों का उपयोग करके जॉर्ज के साथ संचार करता है। रात में कनस्तरों में से एक जॉर्ज के आवास में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और जॉर्ज रोगजनक के संपर्क में आ जाता है। प्राइमेटोलॉजिस्ट डेविस यानी कि डेवन जॉनसन जॉर्ज के साथ एक अटूट बंधन साझा करता है, जो असाधारण रूप से बुद्धिमान सिल्वरबैक गोरिल्ला है, जो युवा होने के के बाद से उसकी देखभाल में है, जब एक लालच से भरे निगम का अनुवांशिक प्रयोग गड़बड़ जाता है तो जॉर्ज और देश भर के अन्य जानवरों को आक्रामक सुपर क्रिएचर में बदल दिया जाता है जो उनके रास्ते में सब कुछ नष्ट कर देते हैं। एड्रेनालाइन से भरी इस सवारी में डेविस ने केवल एक वैश्विक तबाही को रोकने के लिए बल्कि उससे भयानक प्राणी को बचाने के लिए भी एक मार्ग खोजने की कोशिश करता है जो कभी उसका दोस्त था। जॉर्ज के साथ एक विशेष बंधन साझा करते हुए एक असाधारण अलीबानो सिल्वरबैक गोरिल्ला डेविस ओकोए एक सेवानिवृत्त अमेरिकी सेना के सैनिक और अब एक सैन डिएगो वाइल्डलाइफ प्रिजर्व प्राइमेटोलॉजिस्ट देखता है कि जब उसका बुद्धिमान साथी गलती से डॉक्टर केट कैल्डवेल के जीन के संपर्क में आ जाता है तो उसकी दुनिया उलट जाती है। चलिए कुछ डिटेल जान लेते हैं रैम्पेज मूवी के बारे में। रैम्पेज 2018 की अमेरिकन साइंस फिक्शन मॉन्स्टर फिल्म है जिसे डायरेक्ट की हैं ब्राड पीटन। और इसे स्क्रीन प्ले दिए हैं रयान एंकल, कार्लटन क्यूसे, रयान जे कोडालू, एडम एसेटिकियल और इसे स्टोरी दी है रयान एंगल और इसे प्रोड्यूस किए हैं ड्वेन जॉनसन, ब्रैड पेटन, ब्यू फिलन, जॉन रिकॉर्ड, हिराम गार्सिया और इसे स्टारिंग दिए हैं ड्वेन जॉनसन, नाओमी हैरिस, मालिन करमैन, जो मैकनीलो, जैक लेसी, मॉर्लर सेल्टन, जेफरी डीन मॉर्गन और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए हैं जैरन प्रेजेंट, एडिट किए हैं जिम में बॉबी डिस्को, म्यूजिक दिए हैं एंड्रयू लॉकिंगटन, प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा, एक्सेस एंटरटेनमेंट अनक्रेडिटेड, ड्यू एंटरटेनमेंट अनक्रेडिटेड, फ्लाइन पिक्चर कंपनी, व्रिगली पिक्चर, ASAP एंटरटेनमेंट, सेवन बॉक्स प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रोस पिक्चर। रिलीज डेट है अप्रैल 4, 2018 माइक्रोसॉफ्ट थिएटर, अप्रैल 13, 2018 यूनाइटेड स्टेट। रनिंग टाइम 107 मिनट। ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है 120 से 140 मिलियन डॉलर और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 428 मिलियन डॉलर। चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। ड्वेन जॉनसन डेविस ऑकियो के रूप में, कैट कैल्डवेल के रूप में, नाओमी हैरिस, जॉर्ज, लीजी और राल्फ के उत्परिवर्तन का कारण बनने वाले रोगजनक के लिए जिम्मेदारी कंपनी एंड जिसके साइलो के लिए एडविडन के रूप में मालिन ऑकरमैन और जैकी लेसी, ब्रैड पीटन के रूप में एक निजी सैन्य समूह के नेता ब्रॉक के रूप में जो मैकनीलो, जेफरी डीन मॉर्गन हॉर्स रसेल के रूप में, नेल्सन के रूप में, बीज बर्नर, कैरी एक्टिस एक वैज्ञानिक के रूप में, मॉल सैल्टन, कॉर्नल ब्लैक के रूप में, डेमेट्रियस क्रॉस कॉर्नर के रूप में, जैक क्वेट, एमी के रूप में, ब्रेन हिल, जमीटा के रूप में, मैट ग्रोलार्ड एडेड पार्क के रूप में, विल यून ली कैरिक के रूप में, उरीजा तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रैम्पेज मूवी के बारे में बताने रहे हैं, जब तीन अलग अलग जानवर एक खतरनाक रोगजनक के संक्रमित हो जाते हैं तो एक प्राइमेटोलॉजिस्ट और एक आनुवंशिकविद उन्हें शिकागो को नष्ट करने से रोकने के लिए टीम बनाते हैं। एथेना एक जीन हेरफेर कंपनी एनर्जी से स्वामित्व वाला एक अंतरिक्ष स्टेशन एक प्रयोगशाला चूहे के उत्परिवर्तित के कहर बर पाने के बाद नष्ट हो जाता है। डॉक्टर कैरी एटिकस अगले जीवित चालाक दल के सदस्य को सीआईलो कैलेयर वेडेन द्वारा एक रोगजनक वाले अनुसाधन कण स्तरों को पुनः प्राप्त करने के आदेश दिया गया है। जब स्टेशन फट जाता है तो एटकिस एस्केप पॉड से भागने में सक्षम हो जाता है, लेकिन चूहे से नुकसान के कारण यह फिर से प्रवेश करने पर बिखर जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। गिरने वाले टुकड़े संयुक्त राज्य भर में मलबे का एक निशान छोड़ते हैं, जिसमें फ्लोरिडा में एवरग्लेड्स में शामिल है, जहां एक अमेरिका मगरमच्छ द्वारा एक कनस्तर का सेवन किया जाता है, और वायोमिंग में एक जंगल जहां एक के भेड़ियाँ रोगजनक के संपर्क में है। प्राइमेटोलॉजिस्ट डेविस आक्यो एक पूर्व अमेरिकी सेना के विशेष बल सैनिक और एक अवैध शिकार विरोधी इकाई के सदस्य सैन डिएगो वन्यजीव अभयारण्य के में काम करते हैं। उसने जॉर्ज नाम के एक दुर्लभ आलिबनो पश्चिमी तराई गोरिल्ला से मित्रता की है, जिसने उसे शिकारियों से बचाए हैं और सांकेतिक भाषा और हाथ के इशारों का उपयोग करके जॉर्ज के साथ संचार करता है। रात में कनस्तरों में से एक जॉर्ज के आवास में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और जॉर्ज रोगजनक के संपर्क में आ जाता है। प्राइमेटोलॉजिस्ट डेविस यानी कि डेवन जॉनसन जॉर्ज के साथ एक अटूट बंधन साझा करता है, जो असाधारण रूप से बुद्धिमान सिल्वरबैक गोरिल्ला है जो युवा होने के बाद से उसकी देखभाल में है। जब एक लालच से भरे निगम का अनुवांशिक प्रयोग गड़बड़ जाता है तो जॉर्ज और देश भर के अन्य जानवरों को आक्रामक सुपर क्रिएचर में बदल दिया जाता है, जो उनके रास्ते में सब कुछ नष्ट कर देते हैं। एड्रेनालाइन से भरी इस सवारी में डेविस ने केवल एक वैश्विक तबाही को रोकने के लिए बल्कि उससे भयानक प्राणी को बचाने के लिए भी एक मार्ग खोजने की कोशिश करता है जो कभी उसका दोस्त था। जॉर्ज के साथ एक विशेष बंधन साझा करते है करते हुए एक असाधारण अलीबानो सिल्वर बैक गोरिल्ला। डेविस ओकोए एक सेवानिवृत्त अमेरिकी सेना के सैनिक और अब एक सैन डिएगो वाइल्डलाइफ प्रिजर्व प्राइमेटोलॉजिस्ट देखता है कि जब उसका बुद्धिमान साथी गलती से डॉक्टर केट कैल्डवेल के जीन के संपर्क में आ जाता है तो उसकी दुनिया उलट जाती है। चलिए कुछ डिटेल जान लेते हैं रैम्पेज मूवी के बारे में। रैम्पेज 2018 की अमेरिकन साइंस फिक्शन मॉन्स्टर फिल्म है जिसे डायरेक्ट की हैं ब्राड पीटन। और इसे स्क्रीन प्ले दिए हैं रयान एंकल, कार्लटन क्यूस, रयान जे कोडालू, एडम एसेटिकियल और इसे स्टोरी दिए हैं रयान एंगल और इसे प्रोड्यूस किए हैं ड्वेन जॉनसन, ब्रैड पेटन, ब्यू फिलन, जॉन रिकॉर्ड, हीराम गार्सिया और इसे स्टारिंग दिए हैं ड्वेन जॉनसन, नाओमी हैरिस, मालिन करमैन, जो मैकनीलो, जैक लेसी, मॉर्लर सेल्टन, जेफरी डीन मॉर्गन और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए हैं जैरन प्रेजेंट, एडिट किए हैं जिम में बॉबी डिस्को, म्यूजिक दिए हैं एंड्रयू लॉकिंगटन, प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा, एक्सेस एंटरटेनमेंट अनक्रेडिटेड, ड्यू एंटरटेनमेंट अनक्रेडिटेड, फ्लाइन पिक्चर कंपनी व्रिगली पिक्चर, ASAP एंटरटेनमेंट, सेवन बॉक्स प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रोस पिक्चर, रिलीज डेट है अप्रैल 4, 2018, माइक्रोसॉफ्ट थिएटर अप्रैल 13, 2018, यूनाइटेड स्टेट। रनिंग टाइम 107 मिनट। ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है 120 से 140 मिलियन डॉलर और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 428 मिलियन डॉलर। चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। ड्वेन जॉनसन डेविस ऑक्यो के रूप में, कैट कैल्डवेल के रूप में, नाओमी हैरिस, जॉर्ज, लीजी और राल्फ के उत्परिवर्तन का कारण बनने वाले रोगजनक के लिए जिम्मेदारी कंपनी एनजी के साइलो के लिए एडविडन के रूप में, मालिन एकरमैन और जैकी लेसी ब्रेड वीटन के रूप में एक निजी सैन्य समूह के नेता ब्रक के रूप में, जो मैकनीलो, जेफरी डीन मॉर्गन हॉर्स रसेल के रूप में, नेल्सन के रूप में, बीज बर्नर, कैरी एक्टिस एक वैज्ञानिक के रूप में, मॉल सैल्टन, कॉर्नल ब्लैक के रूप में, डेमेट्रियस क्रोस गॉर्नर के रूप में, जैक क्वेट एमी के रूप में, ब्रेन हिल जमीटे के रूप में, मैट ग्रोलार्ड एडेट पार्क के रूप में, विल यून ली कैरी के रूप में, उरीजा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। Thanks for watching this video. हेलो फ्रेंड्स, आज हम रैम्पेज मूवी के बारे में बता रहे हैं जब तीन अलग अलग जानवर एक खतरनाक रोगजनक के संक्रमित हो जाते हैं तो एक प्राइमेटोलॉजिस्ट और एक आनुवंशिक वेद उन्हें शिकागो को नष्ट करने से रोकने के लिए टीम बनाते हैं। एथेना एक जीन हेरफेर कंपनी एनर्जी से स्वामित्व वाला एक अंतरिक्ष स्टेशन एक प्रयोगशाला चूहे के उत्परिवर्तित के कहर बर पाने के बाद नष्ट हो जाता है। डॉक्टर कैरी एटिकस अगले जीवित चालाक दल के सदस्य को सीआईलो क्लेयर वेडन द्वारा एक रोगजनक वाले अनुसाधन कण स्तरों को पुनः प्राप्त करने के आदेश दिया गया है। जब स्टेशन फट जाता है तो एटकिस एस्केप पॉड से भागने में सक्षम हो जाता है, लेकिन चूहे से नुकसान के कारण यह फिर से प्रवेश करने पर बिखर जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। गिरने वाले टुकड़े संयुक्त राज्य भर में मलबे का एक निशान छोड़ते हैं, जिसमें फ्लोरिडा में एवरग्लेड्स में शामिल है, जहां एक अमेरिका मगरमच्छ द्वारा एक कनस्तर का सेवन किया जाता है, और वायोमिंग में एक जंगल जहां एक के भेड़िया रोगजनक के संपर्क में है। प्राइमेटोलॉजिस्ट डेविस आक्यो एक पूर्व अमेरिकी सेना के विशेष बल सैनिक और एक अवैध शिकार विरोधी इकाई के सदस्य सैन डिएगो वन्यजीव अभयारण्य के में काम करते हैं। उसने जॉर्ज नाम के एक दुर्लभ आलिबनो पश्चिमी तराई गोरिल्ला से मित्रता की है, जिसने उसे शिकारियों से बचाए हैं और सांकेतिक भाषा और हाथ के इशारों का उपयोग करके जॉर्ज के साथ संचार करता है। रात में कनस्तरों में से एक जॉर्ज के आवास में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और जॉर्ज रोगजनक के संपर्क में आ जाता है। प्राइमेटोलॉजिस्ट डेविस यानी कि डेवन जॉनसन जॉर्ज के साथ एक अटूट बंधन साझा करता है, जो असाधारण रूप से बुद्धिमान सिल्वरबैक गोरिल्ला है, जो युवा होने के बाद से उसकी देखभाल में है। जब एक लालच से भरे निगम का अनुवांशिक प्रयोग गड़बड़ जाता है तो जॉर्ज और देश भर के अन्य जानवरों को आक्रामक सुपर क्रिएचर में बदल दिया जाता है, जो उनके रास्ते में सब कुछ नष्ट कर देते हैं। एड्रेनालाइन से भरी इस सवारी में डेविस ने केवल एक वैश्विक तबाही को रोकने के लिए बल्कि उससे भयानक प्राणी को बचाने के लिए भी एक मार्ग खोजने की कोशिश करता है, जो कभी उसका दोस्त था। जॉर्ज के साथ एक विशेष बंधन साझा करते हुए एक असाधारण अलीबानो सिल्वरबैक गोरिल्ला डेविस ओकोए एक सेवानिवृत्त अमेरिकी सेना के सैनिक और अब एक सैन डिएगो वाइल्डलाइफ प्रिजर्व प्राइमेटोलॉजिस्ट देखता है कि जब उसका बुद्धिमान साथी गलती से डॉक्टर केट कैल्डवेल के जीन के संपर्क में आ जाता है तो उसकी दुनिया उलट जाती है। चलिए कुछ डिटेल जान लेते हैं रैम्पेज मूवी के बारे में। रैम्पेज 2018 की अमेरिकन साइंस फिक्शन मॉन्स्टर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट की हैं ब्राड पीटन। ब्राड पीटन और इसे स्क्रीन प्ले दिए हैं रयान एंकल, कार्लटन क्यूसे, रयान जे कोडालू, एडम एसेटिकियल और इसे स्टोरी दी है रयान एंगल और इसे प्रोड्यूस किए हैं ड्वेन जॉनसन, ब्रैड पेटन, ब्यू फिलन, जॉन रिकॉर्ड, हीराम गार्सिया और इसे स्टारिंग दिए हैं ड्वेन जॉनसन, नाओमी हैरिस, मालिन करमैन, जो मैकनीलो, जैक लेसी, मार्लर सेल्टन, जेफरी डीन मॉर्गन और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए हैं जैरन प्रेजेंट, एडिट किए हैं जिम में बॉबी डिस्को, म्यूजिक दिए हैं एंड्रयू लॉकिंगटन, प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा, एक्सेस एंटरटेनमेंट अनक्रेडिटेड, ड्यू एंटरटेनमेंट अनक्रेडिटेड, फ्लाइन पिक्चर कंपनी, व्रिगली पिक्चर, एएसएपी एंटरटेनमेंट, सेवन बॉक्स प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रोस पिक्चर, रिलीज डेट अप्रैल 4, 2018 माइक्रोसॉफ्ट थिएटर, अप्रैल 13, 2018 यूनाइटेड स्टेट। रनिंग टाइम 107 मिनट। ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है। इसका बजट है 120 से 140 मिलियन डॉलर और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 428 मिलियन डॉलर। चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। ड्वेन जॉनसन डेविस ऑक्यो के रूप में, कैट कैल्डवेल के रूप में, नाओमी हैरिस, जॉर्ज, लीजी और राल्फ के उत्परिवर्तन का कारण बनने वाले रोगजनक के लिए जिम्मेदारी कंपनी एंड जिसके साइलो के लिए एडविडन के रूप में मालिन एकरमैन और जैकी लेसी, ब्रैड पीटन के रूप में एक निजी सैन्य समूह के नेता ब्रॉक के रूप में जो मैकनीलो, जेफरी डीन मॉर्गन और रसेल के रूप में, नेल्सन के रूप में, बीज बर्नर, कैरी एक्टिस एक वैज्ञानिक के रूप में, मॉल सैल्टन, कॉर्नल ब्लैक के रूप में, डेमेट्रियस क्रॉस कॉर्नर के रूप में, जैक क्वेट, एमी के रूप में, ब्रेन हिल जमीटा के रूप में, मैट ग्रोलार्ड, एडेड पार्क के रूप में, विल यून ली, कैरिक के रूप में, उरीजा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रैम्पेज मूवी के बारे में बताने रहे हैं, जब 3 अलग अलग जानवर एक खतरनाक रोगजनक के संक्रमित हो जाते हैं तो एक प्राइमेटोलॉजिस्ट और एक आनुवंशिकविद उन्हें शिकागो को नष्ट करने से रोकने के लिए टीम बनाते हैं। एथेना एक जीन हेरफेर कंपनी एनर्जी से स्वामित्व वाला एक अंतरिक्ष स्टेशन, एक प्रयोगशाला, चूहे के उत्परिवर्तित के कहर बरपाने के बाद नष्ट हो जाता है। डॉक्टर कैरी एटिकस अगले जीवित चालाक दल के सदस्य को सीआईलो कैलेयर वेडेन द्वारा एक रोगजनक वाले अनुसाधन कन स्तरों को पुनः प्राप्त करने के आदेश दिया गया है। जब स्टेशन फट जाता है तो एटकिस एस्केप पॉड से भागने में सक्षम हो जाता है, लेकिन चूहे से नुकसान के कारण यह फिर से प्रवेश करने पर बिखर जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। गिरने वाले टुकड़े संयुक्त राज्य भर में मलबे का एक निशान छोड़ते हैं, जिसमें फ्लोरिडा में एवरग्लेड्स में शामिल है, जहां एक अमेरिका मगरमच्छ द्वारा एक कनस्तर का सेवन किया जाता है, और वायोमिंग में एक जंगल जहां एक के भेड़िया रोगजनक के संपर्क में है। प्राइमेटोलॉजिस्ट डेविस आक्यो एक पूर्व अमेरिकी सेना के विशेष बल सैनिक और एक अवैध शिकार विरोधी इकाई के सदस्य सैन डिएगो वन्यजीव अभयारण्य के में काम करते हैं। उसने जॉर्ज नाम के एक दुर्लभ अलीबनो पश्चिमी तराई गोरिल्ला से मित्रता की है, जिसने उसे शिकारियों से बचाए हैं, और सांकेतिक भाषा और हाथ के इशारों का उपयोग करके जॉर्ज के साथ संचार करता है। रात में कनस्तरों में से एक जॉर्ज के आवास में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और जॉर्ज रोगजनक के संपर्क में आ जाता है। प्राइमेटोलॉजिस्ट डेविस यानी कि डेवन जॉनसन जॉर्ज के साथ एक अटूट बंधन साझा करता है, जो असाधारण रूप से बुद्धिमान सिल्वरबैक गोरिल्ला है, जो युवा होने के बाद से उसकी देखभाल में है। जब एक लालच से भरे निगम का अनुवांशिक प्रयोग गड़बड़ जाता है, तो जॉर्ज और देश भर के अन्य जानवरों को आक्रामक सुपर क्रिएचर में बदल दिया जाता है, जो उनके रास्ते में सब कुछ नष्ट कर देते हैं। एड्रेनालाइन से भरी इस सवारी में डेविस ने केवल एक वैश्विक तबाही को रोकने के लिए बल्कि उससे भयानक प्राणी को बचाने के लिए भी एक मार्ग खोजने की कोशिश करता है, जो कभी उसका दोस्त था। जॉर्ज के साथ एक विशेष बंधन साझा करते हुए एक असाधारण अलीबानो सिल्वरबैक गोरिल्ला डेविस ओकोए एक सेवानिवृत्त अमेरिकी सेना के सैनिक और अब एक सैन डिएगो वाइल्डलाइफ प्रिजर्व प्राइमेटोलॉजिस्ट देखता है कि जब उसका बुद्धिमान साथी गलती से डॉक्टर केट कैल्डवेल के जीन के संपर्क में आ जाता है, तो उसकी दुनिया उलट जाती है। चलिए कुछ डिटेल जान लेते हैं रैम्पेज मूवी के बारे में। रैम्पेज 2018 की अमेरिकन साइंस फिक्शन मॉन्स्टर फिल्म है। इसे डायरेक्ट की हैं ब्राड पीटन। और इसे स्क्रीन प्ले दिए हैं रयान एंकल, कार्लटन क्यूसे, रयान जे कोडालू, एडम एसेटिकियल, और इसे स्टोरी दी है रयान एंगल, और इसे प्रोड्यूस किए हैं ड्वेन जॉनसन, ब्रैड पेटन, ब्यू फिलन, जॉन रिकॉर्ड, हिराम गार्सिया, और इसे स्टारिंग दिए हैं ड्वेन जॉनसन, नाओमी हैरिस, मालिन करमैन, जो मैकनीलो, जैक लेसी, मार्लर सेल्टन, जेफरी डीन मॉर्गन और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए हैं जैरन प्रेजेंट, एडिट किए हैं जिम में बॉबी डिस्को, म्यूजिक दिए हैं एंड्रयू लॉकिंगटन, प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा, एक्सेस एंटरटेनमेंट अनक्रेडिटेड, ड्यू एंटरटेनमेंट अनक्रेडिटेड, फ्लाइन पिक्चर कंपनी, व्रिगली पिक्चर, ASAP एंटरटेनमेंट, सेवन बॉक्स प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रोस पिक्चर, रिलीज डेट अप्रैल 4, 2018 माइक्रोसॉफ्ट थिएटर, अप्रैल 13, 2018 यूनाइटेड स्टेट। रनिंग टाइम है 107 मिनट। ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है। इसका बजट है 120 से 140 मिलियन डॉलर और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 428 मिलियन डॉलर। चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। ड्वेन जॉनसन डेविस ऑकियो के रूप में, कैट कैल्डवेल के रूप में, नाओमी हैरिस, जॉर्ज, लीजी और राल्फ के उत्परिवर्तन का कारण बनने वाले रोगजनक के लिए जिम्मेदारी कंपनी एनजी के साइलो के लिए एडविडन के रूप में, मालिन एकरमैन और जैकी लेसी ब्रेड व्हिटन के रूप में, एक निजी सैन्य समूह के नेता ब्रक के रूप में, जो मैकनीलो, जेफरी डीन मॉर्गन रसेल के रूप में, नेल्सन के रूप में, बीज बर्नर, कैरी एक्ट्रेस वैज्ञानिक के रूप में, मॉल सैल्टन, कॉर्नल ब्लैक के रूप में, डेमेट्रियस क्रॉस गॉर्नर के रूप में, जैक क्वेट एमी के रूप में, ब्रेन हिल जमीटे के रूप में, मैट ग्रोलार्ड एडेड पार्क के रूप में, विल यून ली कैरिक के रूप में, उरीजा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। Thanks for watching this video. हेलो फ्रेंड्स, आज हम रैम्पेज मूवी के बारे में बताने रहे हैं, जब तीन अलग अलग जानवर एक खतरनाक रोगजनक के संक्रमित हो जाते हैं तो एक प्राइमेटोलॉजिस्ट और एक आनुवंशिक वेद उन्हें शिकागो को नष्ट करने से रोकने के लिए टीम बनाते हैं। एथेना एक जीन हेरफेर कंपनी एनर्जी से स्वामित्व वाला एक अंतरिक्ष स्टेशन, एक प्रयोगशाला, चूहे के उत्परिवर्तित के कहर बरपाने के बाद नष्ट हो जाता है। डॉक्टर कैरी एटिकस अगले जीवित 4 लाख दल के सदस्य को सीआईलो कैलेयर वेडेन द्वारा एक रोगजनक वाले अनुसाधन कन स्तरों को पुनः प्राप्त करने के आदेश दिया गया है। जब स्टेशन फट जाता है तो एटकिस एस्केप पॉड से भागने में सक्षम हो जाता है, लेकिन चूहे से नुकसान के कारण यह फिर से प्रवेश करने पर बिखर जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। गिरने वाले टुकड़े संयुक्त राज्य भर में मलबे का एक निशान छोड़ते हैं, जिसमें फ्लोरिडा में एवरग्लेड्स में शामिल है, जहां एक अमेरिका मगरमच्छ द्वारा एक कनस्तर का सेवन किया जाता है, और वायोमिंग में एक जंगल जहां एक के भेड़िया रोगजनक के संपर्क में है। प्राइमेटोलॉजिस्ट डेविस आक्यो एक पूर्व अमेरिकी सेना के विशेष बल सैनिक और एक अवैध शिकार विरोधी इकाई के सदस्य सैन डिएगो वन्यजीव अभयारण्य के में काम करते हैं। उसने जॉर्ज नाम के एक दुर्लभ आलिबनो पश्चिमी तराई गोरिल्ला से मित्रता की है, जिसने उसे शिकारियों से बचाए हैं और सांकेतिक भाषा और हाथ के इशारों का उपयोग करके जॉर्ज के साथ संचार करता है। रात में कनस्तरों में से एक जॉर्ज के आवास में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और जॉर्ज रोगजनक के संपर्क में आ जाता है। प्राइमेटोलॉजिस्ट डेविस यानी कि डेवन जॉनसन जॉर्ज के साथ एक अटूट बंधन साझा करता है, जो असाधारण रूप से बुद्धिमान सिल्वरबैक गोरिल्ला है, जो युवा होने के बाद से उसकी देखभाल में है। जब एक लालच से भरे निगम का अनुवांशिक प्रयोग गड़बड़ जाता है तो जॉर्ज और देश भर के अन्य जानवरों को आक्रामक सुपर क्रिएचर में बदल दिया जाता है, जो उनके रास्ते में सब कुछ नष्ट कर देते हैं। एड्रेनालाइन से भरी इस सवारी में डेविस ने केवल एक वैश्विक तबाही को रोकने के लिए बल्कि उससे भयानक प्राणी को बचाने के लिए भी एक मार्ग खोजने की कोशिश करता है, जो कभी उसका दोस्त था। जॉर्ज के साथ एक विशेष बंधन साझा करते हुए एक असाधारण अलीबानो सिल्वरबैक गोरिल्ला डेविस ओकोए एक सेवानिवृत्त अमेरिकी सेना के सैनिक और अब एक सैन डिएगो वाइल्डलाइफ प्रिजर्व प्राइमेटोलॉजिस्ट देखता है कि जब उसका बुद्धिमान साथी गलती से डॉक्टर केट कैल्डवेल के जीन के संपर्क में आ जाता है तो उसकी दुनिया उलट जाती है। चलिए कुछ डिटेल जान लेते हैं रैम्पेज मूवी के बारे में। रैम्पेज 2018 की अमेरिकन साइंस फिक्शन मॉन्स्टर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट की हैं ब्राड पीटन। और इसे स्क्रीन प्ले दिए हैं रयान एंकल, कार्लटन क्यूस, रयान जे कोडालू, एडम एसेटिकियल और इसे स्टोरी दी है रयान एंगल और इसे प्रोड्यूस किए हैं ड्वेन जॉनसन, ब्रैड पेटन, ब्यू फिलन, जॉन रिकॉर्ड, हिराम गार्सिया और इसे स्टारिंग दिए हैं ड्वेन जॉनसन, नाओमी हैरिस, मालिन करमैन, जो मैकनीलो, जैक लेसी, मार्लर सेल्टन, जेफरी डीन मॉर्गन और इसे सिनेमेटोग्राफी दी है जैरन प्रेजेंट, एडिट किए हैं जिम में बॉबी डिस्को, म्यूजिक दिए हैं एंड्रयू लॉकिंगटन, प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा, एक्सेस एंटरटेनमेंट अनक्रेडिटेड, ड्यून एंटरटेनमेंट अनक्रेडिटेड, फिल्मी फ्लाइन पिक्चर कंपनी व्रिगली पिक्चर, एएसएपी एंटरटेनमेंट, सेवन बॉक्स प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रोस पिक्चर, रिलीडेड अप्रिल 4, 2018 माइक्रोसॉफ्ट थिएटर, अप्रिल 13, 2018 यूनाइटेड स्टेट। रनिंग टाइम 107 मिनट। ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है। इसका बजट है 120 से 140 मिलियन डॉलर और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $428 मिलियन। चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। ड्वेन जॉनसन डेविस ऑक्यो के रूप में, कैट कैल्डवेल के रूप में, नाओमी हैरिस, जॉर्ज, लीजी और राल्फ के उत्परिवर्तन का कारण बनने वाले रोगजनक के लिए जिम्मेदारी कंपनी एनजी के साइलो के लिए एडविडन के रूप में मालिन एकरमैन और जैकी लेसी ब्रेड विटन के रूप में एक निजी सैन्य समूह के नेता ब्रॉक के रूप में जो मैकेनिलो, जेफरी डीन मॉर्गन हॉर्स रसेल के रूप में, नेल्सन के रूप में, बीज बर्नर कैरी एक वैज्ञानिक के रूप में, मॉल सैल्टन कॉर्नल ब्लैक के रूप में, डेमेट्रियस क्रोस कॉर्नर के रूप में, जैक कवेट एमी के रूप में, ब्रेन हिल जमीटा के रूप में, मैट ग्रोलार्ड एडेड पार्क के रूप में, विल यून ली कैरी के रूप में, उरीजा तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रैम्पेज मूवी के बारे में बताने रहे हैं, जब तीन अलग अलग जानवर एक खतरनाक रोगजनक के संक्रमित हो जाते हैं तो एक प्राइमेटोलॉजिस्ट और एक आनुवंशिकविद उन्हें शिकागो को नष्ट करने से रोकने के लिए टीम बनाते हैं। एथेना एक जीन हेरफेर कंपनी एनर्जी से स्वामित्व वाला एक अंतरिक्ष स्टेशन एक प्रयोगशाला चूहे के उत्परिवर्तित के कहर बर पाने के बाद नष्ट हो जाता है। डॉक्टर कैरी एटिकस अगले जीवित चालाक दल के सदस्य को सीआईलो कैलेयर वेडेन द्वारा एक रोगजनक वाले अनुसाधन कन स्तरों को पुनः प्राप्त करने के आदेश दिया गया है। जब स्टेशन फट जाता है तो किस एस्केप पॉड से भागने में सक्षम हो जाता है, लेकिन चूहे से नुकसान के कारण यह फिर से प्रवेश करने पर बिखर जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। गिरने वाले टुकड़े संयुक्त राज्य भर में मलबे का एक निशान छोड़ते हैं, जिसमें फ्लोरिडा में एवरग्लेड्स में शामिल है, जहां एक अमेरिका मगरमच्छ द्वारा एक कनस्तर का सेवन किया जाता है और वायोमिंग में एक जंगल जहां एक के भेड़िया रोगजनक के संपर्क में है। प्राइमेटोलॉजिस्ट डेविस आक्यो एक पूर्व अमेरिकी सेना के विशेष बल सैनिक और एक अवैध शिकार विरोधी इकाई के सदस्य सैन डिएगो वन्यजीव अभयारण्य के में काम करते हैं। उसने जॉर्ज नाम के एक दुर्लभ अलीबनो पश्चिमी तराई गोरिल्ला से मित्रता की है, जिसने उसे शिकारियों से बचाए हैं और सांकेतिक भाषा और हाथ के इशारों का उपयोग करके जॉर्ज के साथ संचार करता है। रात में कनस्तरों में से एक जॉर्ज के आवास में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और जॉर्ज रोगजनक के संपर्क में आ जाता है। प्राइमेटोलॉजिस्ट डेविस यानी कि ड्वेन जॉनसन जॉर्ज के साथ एक अटूट बंधन साझा करता है, जो असाधारण रूप से बुद्धिमान सिल्वरबैक गोरिल्ला है जो युवा होने के के बाद से उसकी देखभाल में है, जब एक लालच से भरे निगम का अनुवांशिक प्रयोग गड़बड़ जाता है तो जॉर्ज और देश भर के अन्य जानवरों को आक्रामक सुपर क्रिएचर में बदल दिया जाता है जो उनके रास्ते में सब कुछ नष्ट कर देते हैं। एड्रेनालाइन से भरी इस सवारी में डेविस ने केवल एक वैश्विक तबाही को रोकने के लिए बल्कि उससे भयानक प्राणी को बचाने के लिए भी एक मार्ग खोजने की कोशिश करता है जो कभी उसका दोस्त था। जॉर्ज के साथ एक विशेष बंधन साझा करते हुए एक असाधारण अलीबानो सिल्वरबैक गोरिल्ला डेविस ओकोए एक सेवानिवृत्त अमेरिकी सेना के सैनिक और अब एक सैन डिएगो वाइल्डलाइफ प्रिजर्व प्राइमेटोलॉजिस्ट देखता है कि जब उसका बुद्धिमान साथी गलती से डॉक्टर केट कैल्डवेल के जिन के संपर्क में आ जाता है तो उसकी दुनिया उलट जाती है। चलिए कुछ डिटेल जान लेते हैं रैम्पेज मूवी के बारे में। रैम्पेज 2018 की अमेरिकन साइंस फिक्शन मॉन्स्टर फिल्म है जिसे डायरेक्ट की हैं ब्राड पीटन। ब्राड पीटन और इसे स्क्रीन प्ले दिए हैं रयान एंकल, कार्लटन क्यूस, रयान जे कोडालू, एडम एसेटिकियल और इसे स्टोरी दिए हैं रयान एंगल और इसे प्रोड्यूस किए हैं ड्वेन जॉनसन, ब्रैड पेटन, ब्यू फिलन, जॉन रिकॉर्ड, हिराम गार्सिया और इसे स्टारिंग दिए हैं ड्वेन जॉनसन, नाओमी हैरिस, मालिन करमैन, जो मैकनीलो, जैक लेसी, मॉर्लर सेल्टन, जेफरी डीन मॉर्गन और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए हैं जैरन प्रेजेंट, एडिट किए हैं जिम में बॉबी डिस्को, म्यूजिक दिए हैं एंड्रयू लॉकिंगटन, प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा, एक्सेस एंटरटेनमेंट अनक्रेडिटेड, ड्यू एंटरटेनमेंट अनक्रेडिटेड, फ्लाइन पिक्चर कंपनी व्रिगली पिक्चर, ASAP एंटरटेनमेंट, सेवन बॉक्स प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रोस पिक्चर, रिलीज डेट अप्रैल 4, 2018 माइक्रोसॉफ्ट थिएटर, अप्रैल 13, 2018 यूनाइटेड स्टेट। रनिंग टाइम 107 मिनट। ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है 120 से 140 मिलियन डॉलर और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 428 मिलियन डॉलर। चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। ड्वेन जॉनसन डेविस ऑकियो के रूप में, कैट कैल्डवेल के रूप में, नाओमी हैरिस, जॉर्ज, लीजी और राल्फ के उत्परिवर्तन का कारण बनने वाले रोगजनक के लिए जिम्मेदारी कंपनी एनजी के साइलो के लिए विडन के रूप में, मालिन ऑकरमैन और जैकी लेसी ब्रैड पीटन के रूप में, एक निजी सैन्य समूह के नेता ब्रक के रूप में जो मैकनीलो, जेफरी डीन मॉर्गन हॉर्स रसेल के रूप में, नेल्सन के रूप में, पीस बर्नर, कैरी एक्टिस एक वैज्ञानिक के रूप में, मॉल सैल्टन, कॉर्नल ब्लैक के रूप में, डेमेट्रियस क्रोस गॉर्नर के रूप में जैक कवेट, एमी के रूप में ब्रेन हिल, जमीटा के रूप में मैट ग्रोलार्ड, एडेड पार्क के रूप में विल यून ली, कैरिक के रूप में उरीजा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। Thanks for watching this video. हेलो फ्रेंड्स, आज हम रैम्पेज मूवी के बारे में बताने रहे हैं, जब तीन अलग अलग जानवर एक खतरनाक रोगजनक के संक्रमित हो जाते हैं तो एक प्राइमेटोलॉजिस्ट और एक आनुवंशिक वेद उन्हें शिकागो को नष्ट करने से रोकने के लिए टीम बनाते हैं। एथेना एक जीन हेरफेर कंपनी एनर्जी से स्वामित्व वाला एक अंतरिक्ष स्टेशन, एक प्रयोगशाला चूहे के उत्परिवर्तित के कहर बर पाने के बाद नष्ट हो जाता है। डॉक्टर कैरी एटिकस अगले जीवित 4 लाख दल के सदस्य को सीआईलो कैलेयर वेडेन द्वारा एक रोगजनक वाले अनुसाधन कन स्तरों को पुनः प्राप्त करने के आदेश दिया गया है। जब स्टेशन फट जाता है तो एटकिस एस्केप पॉड से भागने में सक्षम हो जाता है, लेकिन चूहे से नुकसान के कारण यह फिर से प्रवेश करने पर बिखर जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। गिरने वाले टुकड़े संयुक्त राज्य भर में मलबे का एक निशान छोड़ते हैं, जिसमें फ्लोरिडा में एवरग्लेड्स में शामिल है, जहां एक अमेरिका मगरमच्छ द्वारा एक कनस्तर का सेवन किया जाता है, और वायोमिंग में एक जंगल जहां एक के भेड़ियां रोगजनक के संपर्क में है। प्राइमेटोलॉजिस्ट डेविस आक्यो एक पूर्व अमेरिकी सेना के विशेष बल सैनिक और एक अवैध शिकार विरोधी इकाई के सदस्य सैन डिएगो वन्यजीव अभयारण्य के में काम करते हैं। उसने जॉर्ज नाम के एक दुर्लभ आलिबनो पश्चिमी तराई गोरिल्ला से मित्रता की है, जिसने उसे शिकारियों से बचाए हैं और सांकेतिक भाषा और हाथ के इशारों का उपयोग करके जॉर्ज के साथ संचार करता है। रात में कनस्तरों में से एक जॉर्ज के आवास में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और जॉर्ज रोगजनक के संपर्क में आ जाता है। प्राइमेटोलॉजिस्ट डेविस यानी कि डेवन जॉनसन जॉर्ज के साथ एक अटूट बंधन साझा करता है, जो असाधारण रूप से बुद्धिमान सिल्वरबैक गोरिल्ला है, जो युवा होने के बाद से उसकी देखभाल में है। जब एक लालच से भरे निगम का अनुवांशिक प्रयोग गड़बड़ जाता है तो जॉर्ज और देश भर के अन्य जानवरों को आक्रामक सुपर क्रिएचर में बदल दिया जाता है, जो उनके रास्ते में सब कुछ नष्ट कर देते हैं। एड्रेनालाइन से भरी इस सवारी में डेविस ने केवल एक वैश्विक तबाही को रोकने के लिए बल्कि उससे भयानक प्राणी को बचाने के लिए भी एक मार्ग खोजने की कोशिश करता है, जो कभी उसका दोस्त था। जॉर्ज के साथ एक विशेष बंधन साझा करते हैं करते हुए एक असाधारण अलीबानो सिल्वर बैक गोरिल्ला। डेविस ओकोए एक सेवानिवृत्त अमेरिकी सेना के सैनिक और अब एक सैन डिएगो वाइल्डलाइफ प्रिजर्व प्राइमेटोलॉजिस्ट देखता है कि जब उसका बुद्धिमान साथी गलती से डॉक्टर केट कैल्डवेल के जीन के संपर्क में आ जाता है तो उसकी दुनिया उलट जाती है। चलिए कुछ डिटेल जान लेते हैं रैम्पेज मूवी के बारे में। रैम्पेज 2018 की अमेरिकन साइंस फिक्शन मॉन्स्टर फिल्म है जिसे डायरेक्ट की है ब्राड पीटन। और इसे स्क्रीन प्ले दिए हैं रयान एंकल, कार्लटन क्यूस, रयान जे कोडालू, एडम एसेटिकियल और इसे स्टोरी दी है रयान एंगल और इसे प्रोड्यूस किए हैं ड्वेन जॉनसन, ब्रैड पेटन, ब्यू फिलन, जॉन रिकॉर्ड, हिराम गार्सिया और इसे स्टारिंग दिए हैं ड्वेन जॉनसन, नाओमी हैरिस, मालिन करमैन, जो मैकनीलो, जैक लेसी, मॉर्लर सेल्टन, जेफरी डीन मॉर्गन और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए हैं जैरन प्रेजेंट, एडिट किए हैं जिम में बॉबी डिस्को, म्यूजिक दिए हैं एंड्रयू लॉकिंगटन, प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा, एक्सेस एंटरटेनमेंट अनक्रेडिटेड, ड्यू एंटरटेनमेंट अनक्रेडिटेड, फिल्मी फ्लाइन पिक्चर कंपनी व्रिगली पिक्चर, ASAP एंटरटेनमेंट, सेवन बॉक्स प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रोस पिक्चर। रिलीज डेट है अप्रैल 4, 2018 माइक्रोसॉफ्ट थिएटर, अप्रैल 13, 2018 यूनाइटेड स्टेट। रनिंग टाइम 107 मिनट। ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है 120 से 140 मिलियन डॉलर और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 428 मिलियन डॉलर। चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। ड्वेन जॉनसन डेविस ऑक्यो के रूप में, कैट कैल्डवेल के रूप में, नाओमी हैरिस, जॉर्ज, लिजी और राल्फ के उत्परिवर्तन का कारण बनने वाले रोग जनक के लिए जिम्मेदारी कंपनी एनजी के साइलो के लिए एडविडन के रूप में, मालिन एकरमैन और जैकी लेसी ब्रेड वीटन के रूप में, एक निजी सैन्य समूह के नेता ब्रॉक के रूप में, जो मैकनीलो, जेफरी डीन मॉर्गन हॉर्स रसेल के रूप में, नेल्सन के रूप में, बीज बर्नर, कैरी एक्टिस एक वैज्ञानिक के रूप में, मॉल सैल्टन कॉर्नल ब्लैक के रूप में, डेमेट्रियस क्रोस कॉर्नर के रूप में, जैक क्वेट एमी के रूप में, ब्रेन हिल जमीटा के रूप में, मैट ग्रोलार्ड एडेड पार्क के रूप में, विल यून ली कैरिक के रूप में, उरीजा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। Thanks for watching this video. हेलो फ्रेंड्स, आज हम रैम्पेज मूवी के बारे में बता रहे हैं जब 3 अलग अलग जानवर एक खतरनाक रोगजनक के संक्रमित हो जाते हैं तो एक प्राइमेटोलॉजिस्ट और एक आनु सिक्वेद उन्हें शिकागो को नष्ट करने से रोकने के लिए टीम बनाते हैं। एथेना एक जीन हेरफेर कंपनी एनर्जी से स्वामित्व वाला एक अंतरिक्ष स्टेशन एक प्रयोगशाला चूहे के उत्परिवर्तित के कहर बर पाने के बाद नष्ट हो जाता है। डॉक्टर कैरी एटिकस अगले जीवित चालाक दल के सदस्य को सीआईलो क्लेयर वेडन द्वारा एक रोगजनक वाले अनुसाधन कण स्तरों को पुनः प्राप्त करने के आदेश दिया गया है। जब स्टेशन फट जाता है तो एटकिस एस्केप पॉड से भागने में सक्षम हो जाता है, लेकिन चूहे से नुकसान के कारण यह फिर से प्रवेश करने पर बिखर जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। गिरने वाले टुकड़े संयुक्त राज्य भर में मलबे का एक निशान छोड़ते हैं, जिसमें फ्लोरिडा में एवरग्लेड्स में शामिल है, जहां एक अमेरिका मगरमच्छ द्वारा एक कनस्तर का सेवन किया जाता है, और वायोमिंग में एक जंगल जहां एक के भेड़िया रोगजनक के संपर्क में है। प्राइमेटोलॉजिस्ट डेविस आक्यो एक पूर्व अमेरिकी सेना के विशेष बल सैनिक और एक अवैध शिकार विरोधी इकाई के सदस्य सैन डिएगो वन्यजीव अभयारण्य के में काम करते हैं। उसने जॉर्ज नाम के एक दुर्लभ आलिबनो पश्चिमी तराई गोरिल्ला से मित्रता की है, जिसने उसे शिकारियों से बचाए हैं और सांकेतिक भाषा और हाथ के इशारों का उपयोग करके जॉर्ज के साथ संचार करता है। रात में कनस्तरों में से एक जॉर्ज के आवास में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और जॉर्ज रोगजनक के संपर्क में आ जाता है। प्राइमेटोलॉजिस्ट डेविस यानी कि डेवन जॉनसन जॉर्ज के साथ एक अटूट बंधन साझा करता है, जो असाधारण रूप से बुद्धिमान सिल्वरबैक गोरिल्ला है, जो युवा होने के बाद से उसकी देखभाल में है। जब एक लालच से भरे निगम का अनुवांशिक प्रयोग गड़बड़ जाता है तो जॉर्ज और देश भर के अन्य जानवरों को आक्रामक सुपर क्रिएचर में बदल दिया जाता है, जो उनके रास्ते में सब कुछ नष्ट कर देते हैं। एड्रेनालाइन से भरी इस सवारी में डेविस ने केवल एक वैश्विक तबाही को रोकने के लिए बल्कि उससे भयानक प्राणी को बचाने के लिए भी एक मार्ग खोजने की कोशिश करता है, जो कभी उसका दोस्त था। जॉर्ज के साथ एक विशेष बंधन साझा करते हुए एक असाधारण अलीबानो सिल्वरबैक गोरिल्ला डेविस ओकोए एक सेवानिवृत्त अमेरिकी सेना के सैनिक और अब एक सैन डिएगो वाइल्डलाइफ प्रिजर्व प्राइमेटोलॉजिस्ट देखता है कि जब उसका बुद्धिमान साथी गलती से डॉक्टर केट कैल्डवेल के जीन के संपर्क में आ जाता है तो उसकी दुनिया उलट जाती है। चलिए कुछ डिटेल जान लेते हैं रैम्पेज मूवी के बारे में। रैम्पेज 2018 की अमेरिकन साइंस फिक्शन मॉन्स्टर फिल्म है जिसे डायरेक्ट की है ब्राड पीटन। ब्राड पीटन और इसे स्क्रीन प्ले दिए हैं रयान एंकल, कार्लटन क्यूसे, रयान जे कोडालू, एडम एसेटिकियल और इसे स्टोरी दी है रयान एंगल और इसे प्रोड्यूस किए हैं ड्वेन जॉनसन, ब्रैड पेटन, ब्यू फिलन, जॉन रिकॉर्ड, हिराम गार्सिया और इसे स्टारिंग दिए हैं ड्वेन जॉनसन, नाओमी हैरिस, मालिन करमैन, जो मैकनीलो, जैक लेसी, मॉर्लर सेल्टन, जेफरी डीन मॉर्गन और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए हैं जैरन प्रेजेंट, एडिट किए हैं जिम में बॉबी डिस्को, म्यूजिक दिए हैं एंड्रयू लॉकिंगटन, प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा, एक्सेस एंटरटेनमेंट अनक्रेडिटेड, ड्यू एंटरटेनमेंट अनक्रेडिटेड, फिल्मी फ्लाइन पिक्चर कंपनी व्रिगली पिक्चर, एएसएपी एंटरटेनमेंट, सेवन बॉक्स प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रोस पिक्चर, रिलीज डेट है अप्रैल 4, 2018 माइक्रोसॉफ्ट थिएटर, अप्रैल 13, 2018 यूनाइटेड स्टेट। रनिंग टाइम 107 मिनट। ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है। इसका बजट है 120 से 140 मिलियन डॉलर और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 428 मिलियन डॉलर। चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। ड्वेन जॉनसन डेविस ऑक्यो के रूप में, कैट कैल्डवेल के रूप में, नाओमी हैरिस, जॉर्ज, लीजी और राल्फ के उत्परिवर्तन का कारण बनने वाले रोगजनक के लिए जिम्मेदारी कंपनी एंड जिसके साइलो के लिए एडविडन के रूप में मालिन एकरमैन और जैकी लेसी, ब्रैड पीटन के रूप में एक निजी सैन्य समूह के नेता ब्रॉक के रूप में जो मैकनीलो, जेफरी डीन मॉर्गन हॉर्स रसेल के रूप में, नेल्सन के रूप में, बीज बर्नर, कैरी एक्टिस एक वैज्ञानिक के रूप में, मॉल सैल्टन, कॉर्नल ब्लैक के रूप में, डेमेट्रियस क्रोस कॉर्नर के रूप में, जैक क्वेट एमी के रूप में, ब्रेन हिल जमीटा के रूप में, मैट ग्रोलार्ड एडेड पार्क के रूप में, विल यून ली कैरिक के रूप में, उरीजा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रैम्पेज मूवी के बारे में बताने रहे हैं, जब 3 अलग अलग जानवर एक खतरनाक रोगजनक के संक्रमित हो जाते हैं तो एक प्राइमेटोलॉजिस्ट और एक आनुवंशिकविद उन्हें शिकागो को नष्ट करने से रोकने के लिए टीम बनाते हैं। एथेना एक जीन हेरफेर कंपनी एनर्जी से स्वामित्व वाला एक अंतरिक्ष स्टेशन, एक प्रयोगशाला चूहे के उत्परिवर्तित के कहर बर पाने के बाद नष्ट हो जाता है। डॉक्टर कैरी एटिकस अगले जीवित चालाक दल के सदस्य को सीआईलो कैलेयर वेडेन द्वारा एक रोगजनक वाले अनुसाधन कन स्तरों को पुनः प्राप्त करने के आदेश दिया गया है। जब स्टेशन फट जाता है तो एटकिस एस्केप पॉड से भागने में सक्षम हो जाता है, लेकिन चूहे से नुकसान के कारण यह फिर से प्रवेश करने पर बिखर जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। गिरने वाले टुकड़े संयुक्त राज्य भर में मलबे का एक निशान छोड़ते हैं, जिसमें फ्लोरिडा में एवरग्लेड्स में शामिल है, जहां एक अमेरिका मगरमच्छ द्वारा एक कनस्तर का सेवन किया जाता है। और वायोमिंग में एक जंगल जहां एक के भेड़ियां रोगजनक के संपर्क में है। प्राइमेटोलॉजिस्ट डेविस आक्यो एक पूर्व अमेरिकी सेना के विशेष बल सैनिक और एक अवैध शिकार विरोधी इकाई के सदस्य सैन डिएगो वन्यजीव अभयारण्य के में काम करते हैं। उसने जॉर्ज नाम के एक दुर्लभ अलीबनो पश्चिमी तराई गोरिल्ला से मित्रता की है, जिसने उसे शिकारियों से बचाए हैं। और सांकेतिक भाषा और हाथ के इशारों का उपयोग करके जॉर्ज के साथ संचार करता है। रात में कनस्तरों में से एक जॉर्ज के आवास में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और जॉर्ज रोगजनक के संपर्क में आ जाता है। प्राइमेटोलॉजिस्ट डेविस यानी कि डेवन जॉनसन जॉर्ज के साथ एक अटूट बंधन साझा करता है, जो असाधारण रूप से बुद्धिमान सिल्वरबैक गोरिल्ला है, जो युवा होने के बाद से उसकी देखभाल में है। जब एक लालच से भरे निगम का अनुवांशिक प्रयोग गड़बड़ जाता है, तो जॉर्ज और देश भर के अन्य जानवरों को आक्रामक सुपर क्रिएचर में बदल दिया जाता है, जो उनके रास्ते में सब कुछ नष्ट कर देते हैं। एड्रेनालाइन से भरी इस सवारी में डेविस ने केवल एक वैश्विक तबाही को रोकने के लिए बल्कि उससे भयानक प्राणी को बचाने के लिए भी एक मार्ग खोजने की कोशिश करता है, जो कभी उसका दोस्त था। जॉर्ज के साथ एक विशेष बंधन साझा करते हुए एक असाधारण अलीबानो सिल्वरबैक गोरिल्ला डेविस ओकोए एक सेवानिवृत्त अमेरिकी सेना के सैनिक और अब एक सैन डिएगो वाइल्डलाइफ प्रिजर्व प्राइमेटोलॉजिस्ट देखता है कि जब उसका बुद्धिमान साथी गलती से डॉक्टर केट कैल्डवेल के जीन के संपर्क में आ जाता है, तो उसकी दुनिया उलट जाती है। चलिए कुछ डिटेल जान लेते हैं रैम्पेज मूवी के बारे में। रैम्पेज 2018 की अमेरिकन साइंस फिक्शन मॉन्स्टर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट की हैं ब्राड पीटन। और इसे स्क्रीन प्ले दिए हैं रयान एंकल, कार्लटन क्यूस, रयान जे कोडालू, एडम एसेटिकियल। और इसे स्टोरी दिए हैं रयान एंगल और इसे प्रोड्यूस किए हैं ड्वेन जॉनसन, ब्रैड पेटन, ब्यू फिलन, जॉन रिकॉर्ड, हिराम गार्सिया और इसे स्टारिंग दिए हैं ड्वेन जॉनसन, नाओमी हैरिस, मालिन करमैन, जो मैकनीलो, जैक लेसी, मॉर्लर सेल्टन, जेफरी डीन मॉर्गन और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए हैं जैरन प्रेजेंट, एडिट किए हैं जिम में बॉबी डिस्को, म्यूजिक दिए हैं एंड्रयू लॉकिंगटन, प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा, एक्सेस एंटरटेनमेंट अनक्रेडिटेड, ड्यू एंटरटेनमेंट अनक्रेडिटेड, फ्लाइन पिक्चर कंपनी, व्रिगली पिक्चर, ASAP एंटरटेनमेंट, सेवन बॉक्स प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रोस पिक्चर, रिलीडेड अप्रिल 4, 2018 माइक्रोसॉफ्ट थिएटर, अप्रिल 13, 2018 यूनाइटेड स्टेट। रनिंग टाइम है 107 मिनट। ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है। इसका बजट है 120 से 140 मिलियन डॉलर और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 428 मिलियन डॉलर। चलिए फ्रेंड, इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। ड्वेन जॉनसन डेविस ऑक्यो के रूप में, कैट कैल्डवेल के रूप में, नाओमी हैरिस, जॉर्ज, लीजी और राल्फ के उत्परिवर्तन का कारण बनने वाले रोगजनक के लिए जिम्मेदारी कंपनी एनजी के साइलो के लिए एडविडन के रूप में, मालिन एकरमैन और जैकी लेसी ब्रेड विटन के रूप में, एक निजी सैन्य समूह के नेता ब्रक के रूप में, जो मैकनीलो, जेफरी डीन मॉर्गन और रसेल के रूप में, नेल्सन के रूप में, बीज बर्नर, कैरी एक्टिस एक वैज्ञानिक के रूप में, मॉल सैल्टन, कॉर्नल ब्लैक के रूप में, डेमेट्रियस क्रॉस कॉर्नर के रूप में, जैक क्वेट एमी के रूप में, ब्रेन हिल जमीटे के रूप में, मैट ग्रोलार्ड एडेड पार्क के रूप में, विल यून ली कैरिक के रूप में, उरीजा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। Thanks for watching this video. हेलो फ्रेंड्स, आज हम रैम्पेज मूवी के बारे में बताने रहे हैं, जब तीन अलग अलग जानवर एक खतरनाक रोगजनक के संक्रमित हो जाते हैं तो एक प्राइमेटोलॉजिस्ट और एक आनुवंशिक वेद उन्हें शिकागो को नष्ट करने से रोकने के लिए टीम बनाते हैं। एथेना एक जीन हेरफेर कंपनी एनर्जी से स्वामित्व वाला एक अंतरिक्ष स्टेशन, एक प्रयोगशाला, चूहे के उत्परिवर्तित के कहर बर पाने के बाद नष्ट हो जाता है। डॉक्टर कैरी एटिकस अगले जीवित 4 लाख दल के सदस्य को सीआईलो कैलेयर वेडेन द्वारा एक रोगजनक वाले अनुसाधन कन स्तरों को पुनः प्राप्त करने के आदेश दिया गया है। जब स्टेशन फट जाता है तो एटकिस एस्केप पॉड से भागने में सक्षम हो जाता है, लेकिन चूहे से नुकसान के कारण यह फिर से प्रवेश करने पर बिखर जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। गिरने वाले टुकड़े संयुक्त राज्य भर में मलबे का एक निशान छोड़ते हैं, जिसमें फ्लोरिडा में एवरग्लेड्स में शामिल है, जहां एक अमेरिका मगरमच्छ द्वारा एक कनस्तर का सेवन किया जाता है, और वायोमिंग में एक जंगल जहाँ एक के भेड़िया रोगजनक के संपर्क में है। प्राइमेटोलॉजिस्ट डेविस आक्यो एक पूर्व अमेरिकी सेना के विशेष बल सैनिक और एक अवैध शिकार विरोधी इकाई के सदस्य सैन डिएगो वन्यजीव अभ्यारण्य के में काम करते हैं। उसने जॉर्ज नाम के एक दुर्लभ आलिबनो पश्चिमी तराई गोरिल्ला से मित्रता की है, जिसने उसे शिकारियों से बचाए हैं और सांकेतिक भाषा और हाथ के इशारों का उपयोग करके जॉर्ज के साथ संचार करता है। रात में कनस्तरों में से एक जॉर्ज के आवास में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और जॉर्ज रोगजनक के संपर्क में आ जाता है। प्राइमेटोलॉजिस्ट डेविस यानी कि डेवन जॉनसन जॉर्ज के साथ एक अटूट बंधन साझा करता है, जो असाधारण रूप से बुद्धिमान सिल्वरबैक गोरिल्ला है, जो युवा होने के बाद से उसकी देखभाल में है। जब एक लालच से भरे निगम का अनुवांशिक प्रयोग गड़बड़ जाता है तो जॉर्ज और देश भर के अन्य जानवरों को आक्रामक सुपर क्रिएचर में बदल दिया जाता है, जो उनके रास्ते में सब कुछ नष्ट कर देते हैं। एड्रेनालाइन से भरी इस सवारी में डेविस ने केवल एक वैश्विक तबाही को रोकने के लिए बल्कि उससे भयानक प्राणी को बचाने के लिए भी एक मार्ग खोजने की कोशिश करता है, जो कभी उसका दोस्त था। जॉर्ज के साथ एक विशेष बंधन साझा करते हुए एक असाधारण अलीबानो सिल्वरबैक गोरिल्ला डेविस ओकोए एक सेवानिवृत्त अमेरिकी सेना के सैनिक और अब एक सैन डिएगो वाइल्डलाइफ प्रिजर्व प्राइमेटोलॉजिस्ट देखता है कि जब उसका बुद्धिमान साथी गलती से डॉक्टर केट कैल्डवेल के जीन के संपर्क में आ जाता है तो उसकी दुनिया उलट जाती है। चलिए कुछ डिटेल जान लेते हैं रैम्पेज मूवी के बारे में। रैम्पेज 2018 की अमेरिकन साइंस फिक्शन मॉन्स्टर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट की हैं ब्राड पीटन। और इसे स्क्रीन प्ले दिए हैं रायन एंकल, कार्लटन क्यूसे, रायन जे कोडालू, एडम एसेटिकियल और इसे स्टोरी दी है रायन एंगल और इसे प्रोड्यूस किए हैं ड्वेन जॉनसन, ब्रैड पेटन, ब्यू फिलन, जॉन रिकॉर्ड, हिराम गार्सिया और इसे स्टारिंग दिए हैं ड्वेन जॉनसन, नाओमी हैरिस, मालिन करमैन, जो मैकनीलो, जैक लेसी, मॉर्लर सेल्टन, जेफरी डीन मॉर्गन और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए हैं जैरन प्रेजेंट, एडिट किए हैं जिम में बॉबी डिस्को, म्यूजिक दिए हैं एंड्रयू लॉकिंगटन, प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा, एक्सेस एंटरटेनमेंट अनक्रेडिटेड, ड्यू एंटरटेनमेंट अनक्रेडिटेड, फिल्मी फ्लाइन पिक्चर कंपनी व्रिगली पिक्चर, एएसएपी एंटरटेनमेंट, सेवन बॉक्स प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रोस पिक्चर। रिलीज डेट अप्रैल 4, 2018 माइक्रोसॉफ्ट थिएटर, अप्रैल 13, 2018 यूनाइटेड स्टेट। रनिंग टाइम 107 मिनट। ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है। इसका बजट है 120 से 140 मिलियन डॉलर और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 428 मिलियन डॉलर। चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। ड्वेन जॉनसन डेविस ऑक्यो के रूप में, कैट कैल्डवेल के रूप में, नाओमी हैरिस, जॉर्ज, लीजी और राल्फ के उत्परिवर्तन का कारण बनने वाले रोग जनक के लिए जिम्मेदारी कंपनी एनजी के साइलो के लिए एडविडन के रूप में, मालिन एकरमैन और जैकी लेसी ब्रेड विटन के रूप में, एक निजी सैन्य समूह के नेता ब्रक के रूप में जो मैकेनिलो, जेफरी डीन मॉर्गन हॉर्स रसेल के रूप में, नेल्सन के रूप में, बीज बर्नर कैरी एक्ट वैज्ञानिक के रूप में, मॉल सैल्टन कॉर्नल ब्लैक के रूप में, डेमेट्रियस क्रोस गॉर्नर के रूप में, जैक कवेट एमी के रूप में, ब्रेन हिल जमीटा के रूप में, मैट ग्रोलार्ड एडेड पार्क के रूप में, विल यून ली कैरिक के रूप में, उरीजा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। Thanks for watching this video. हेलो फ्रेंड्स, आज हम रैम्पेज मूवी के बारे में बताने रहे हैं, जब तीन अलग अलग जानवर एक खतरनाक रोगजनक के संक्रमित हो जाते हैं तो एक प्राइमेटोलॉजिस्ट और एक आनुवंशिक क्वेद उन्हें शिकागो को नष्ट करने से रोकने के लिए टीम बनाते हैं। एथेना एक जीन हेरफेर कंपनी एनर्जी से स्वामित्व वाला एक अंतरिक्ष स्टेशन एक प्रयोगशाला चूहे के उत्परिवर्तित के कहर बरपाने के बाद नष्ट हो जाता है। डॉक्टर कैरी एटिकस अगले जीवित 4 लाख दल के सदस्य को सीआईलो क्लेयर वेडन द्वारा एक रोगजनक वाले अनुसाधन कन स्तरों को पुनः प्राप्त करने के आदेश दिया गया है। जब स्टेशन फट जाता है तो एटकिस एस्केप पॉड से भागने में सक्षम हो जाता है, लेकिन चूहे से नुकसान के कारण यह फिर से प्रवेश करने पर बिखर जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। गिरने वाले टुकड़े संयुक्त राज्य भर में मलबे का एक निशान छोड़ते हैं, जिसमें फ्लोरिडा में एवरग्लेड्स में शामिल है, जहां एक अमेरिका मगरमच्छ द्वारा एक कनस्तर का सेवन किया जाता है और वायोमिंग में एक जंगल जहां एक के भेड़िया रोगजनक के संपर्क में है। प्राइमेटोलॉजिस्ट डेविस आक्यो एक पूर्व अमेरिकी सेना के विशेष बल सैनिक और एक अवैध शिकार विरोधी इकाई के सदस्य सैन डिएगो वन्यजीव अभयारण्य के में काम करते हैं। उसने जॉर्ज नाम के एक दुर्लभ अलीबनो पश्चिमी तराई गोरिल्ला से मित्रता की है, जिसने उसे शिकारियों से बचाए हैं और सांकेतिक भाषा और हाथ के इशारों का उपयोग करके जॉर्ज के साथ संचार करता है। रात में कनस्तरों में से एक जॉर्ज के आवास में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और जॉर्ज रोगजनक के संपर्क में आ जाता है। प्राइमेटोलॉजिस्ट डेविस यानी कि ड्वेन जॉनसन जॉर्ज के साथ एक अटूट बंधन साझा करता है जो असाधारण रूप से बुद्धिमान सिल्वरबैक गोरिल्ला है जो युवा होने के बाद से उसकी देखभाल में है। जब एक लालच से भरे निगम का अनुवांशिक प्रयोग गड़बड़ जाता है तो जॉर्ज और देश भर के अन्य जानवरों को आक्रामक सुपर क्रिएचर में बदल दिया जाता है जो उनके रास्ते में सब कुछ नष्ट कर देते हैं। एड्रेनालाइन से भरी इस सवारी में डेविस ने केवल एक वैश्विक तबाही को रोकने के लिए बल्कि उससे भयानक प्राणी को बचाने के लिए भी एक मार्ग खोजने की कोशिश करता है जो कभी उसका दोस्त था। जॉर्ज के साथ एक विशेष बंधन साझा करते हुए एक असाधारण अलीबानो सिल्वरबैक गोरिल्ला डेविस ओकोए एक सेवानिवृत्त अमेरिकी सेना के सैनिक और अब एक सैन डिएगो वाइल्डलाइफ प्रिजर्व प्राइमेटोलॉजिस्ट देखता है कि जब उसका बुद्धिमान साथी गलती से डॉक्टर केट कैल्डवेल के जीन के संपर्क में आ जाता है तो उसकी दुनिया उलट जाती है। चलिए कुछ डिटेल जान लेते हैं रैम्पेज मूवी के बारे में। रैम्पेज 2018 की अमेरिकन साइंस फिक्शन मॉन्स्टर फिल्म है। इसे डायरेक्ट की हैं ब्राड पीटन। और इसे स्क्रीन प्ले दिए हैं रयान एंकल, कार्लटन क्यूस, रयान जे कोडालू, एडम एसेटिकियल और इसे स्टोरी दी है रयान एंगल और इसे प्रोड्यूस किए हैं ड्वेन जॉनसन, ब्रैड पेटन, ब्यू फिलन, जॉन रिकॉर्ड, हिराम गार्सिया और इसे स्टारिंग दिए हैं ड्वेन जॉनसन, नाओमी हैरिस, मालिन करमैन, जो मैकनीलो, जैक लेसी, मॉर्लर सेल्टन, जेफरी डीन मॉर्गन और इसे सिनेमेटोग्राफी दिए हैं जैरन प्रेजेंट, एडिट किए हैं जिम में बॉबी डिस्को, म्यूजिक दिए हैं एंड्रयू लॉकिंगटन, प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा, एक्सेस एंटरटेनमेंट अनक्रेडिटेड, ड्यू एंटरटेनमेंट अनक्रेडिटेड, फ्लाइन पिक्चर कंपनी व्रिगली पिक्चर, ASAP एंटरटेनमेंट, सेवन बॉक्स प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रोस पिक्चर, रिलीज अप्रैल 4, 2018 माइक्रोसॉफ्ट थिएटर, अप्रैल 13, 2018 यूनाइटेड स्टेट। रनिंग टाइम 107 मिनट। ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है। इसका बजट है 120 से 140 मिलियन डॉलर और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 428 मिलियन डॉलर। चलिए फ्रेंड इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। ड्वेन जॉनसन डेविस ऑक्यो के रूप में, कैट कैल्डवेल के रूप में, नाओमी हैरिस, जॉर्ज, लिजी और राल्फ के उत्परिवर्तन का कारण बनने वाले रोगजनक के लिए जिम्मेदारी कंपनी एनजी के साइलो के लिए विलन के रूप में मालिन ऑकरमैन और जैकी लेसी, ब्रैड पीटन के रूप में एक निजी सैन्य समूह के नेता ब्रक के रूप में जो मैकनीलो, जेफरी डीन मॉर्गन, हॉर्स रसेल के रूप में नेल्सन के रूप में, पीस बर्नर, कैरी एक वैज्ञानिक के रूप में, मॉल एसटन कॉर्नल ब्लैक के रूप में, डे में ट्रियस क्रोस कॉर्नर के रूप में, जैक कवेट एमी के रूप में, ब्रेन हिल जमीटे के रूप में, मैट ग्रोलार्ड एडेड पार्क के रूप में, विल यून ली कैरिक के रूप में, उरीजा तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। Thanks for watching this video. हेलो फ्रेंड्स, आज हम रैम्पेज मूवी के बारे में बताने रहे हैं, जब तीन अलग अलग जानवर एक खतरनाक रोगजनक के संक्रमित हो जाते हैं तो एक प्राइमेटोलॉजिस्ट और एक आनुवंशिक वेद उन्हें शिकागो को नष्ट करने से रोकने के लिए टीम बनाते हैं। एथेना एक जीन हेरफेर कंपनी एनर्जी से स्वामित्व वाला एक अंतरिक्ष स्टेशन, एक प्रयोगशाला चूहे के उत्परिवर्तित के कहर बर पाने के बाद नष्ट हो जाता है। डॉक्टर कैरी एटिकस अगले जीवित 4 लाख दल के सदस्य को सीआईलो कैलेयर वेडेन द्वारा एक रोगजनक वाले अनुसाधन कन स्तरों को पुनः प्राप्त करने के आदेश दिया गया है। जब स्टेशन फट जाता है तो एटकिस एस्केप पॉड से भागने में सक्षम हो जाता है, लेकिन चूहे से नुकसान के कारण यह फिर से प्रवेश करने पर बिखर जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। गिरने वाले टुकड़े संयुक्त राज्य भर में मलबे का एक निशान छोड़ते हैं, जिसमें फ्लोरिडा में एवरग्लेड्स में शामिल है, जहां एक अमेरिका मगरमच्छ द्वारा एक कनस्तर का सेवन किया जाता है, और वायोमिंग में एक जंगल जहां एक के भेड़िया रोगजनक के संपर्क में है। प्राइमेटोलॉजिस्ट डेविस आक्यो एक पूर्व अमेरिकी सेना के विशेष बल सैनिक और एक अवैध शिकार विरोधी इकाई के सदस्य सैन डिएगो वन्यजीव अभयारण्य के में काम करते हैं। उसने जॉर्ज नाम के एक दुर्लभ आलिबनो पश्चिमी तराई गोरिल्ला से मित्रता की है, जिसने उसे शिकारियों से बचाए हैं और सांकेतिक भाषा और हाथ के इशारों का उपयोग करके जॉर्ज के साथ संचार करता है। रात में कनस्तरों में से एक जॉर्ज के आवास में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और जॉर्ज रोगजनक के संपर्क में आ जाता है। प्राइमेटोलॉजिस्ट डेविस यानी कि डेवन जॉनसन जॉर्ज के साथ एक अटूट बंधन साझा करता है, जो असाधारण रूप से बुद्धिमान सिल्वरबैक गोरिल्ला है, जो युवा होने के बाद से उसकी देखभाल में है। जब एक लालच से भरे निगम का अनुवांशिक प्रयोग गड़बड़ जाता है तो जॉर्ज और देश भर के अन्य जानवरों को आक्रामक सुपर क्रिएचर में बदल दिया जाता है, जो उनके रास्ते में सब कुछ नष्ट कर देते हैं। एड्रेनालाइन से भरी इस सवारी में डेविस ने केवल एक वैश्विक तबाही को रोकने के लिए बल्कि उससे भयानक प्राणी को बचाने के लिए भी एक मार्ग खोजने की कोशिश करता है जो कभी उसका दोस्त था। जॉर्ज के साथ एक विशेष बंधन साझा करते हैं करते हुए एक असाधारण अलीबानो सिल्वर बैक गोरिल्ला डेविस ओकोए एक सेवानिवृत्त अमेरिकी सेना के सैनिक और अब एक सैन डिएगो वाइल्डलाइफ प्रिजर्व प्राइमेटोलॉजिस्ट देखता है कि जब उसका बुद्धिमान साथी गलती से डॉक्टर केट कैल्डवेल के जीन के संपर्क में आ जाता है तो उसकी दुनिया उलट जाती है। चलिए कुछ डिटेल जान लेते हैं रैम्पेज मूवी के बारे में। रैम्पेज 2018 की अमेरिकन साइंस फिक्शन मॉन्स्टर फिल्म है जिसे डायरेक्ट की हैं ब्राड पीटन। और इसे स्क्रीन प्ले दिए हैं रयान एंकल, कार्लटन क्यूस, रयान जे कोडालू, एडम एसेटिकियल और इसे स्टोरी दी है रयान एंगल और इसे प्रोड्यूस किए हैं ड्वेन जॉनसन, ब्रैड पेटन, ब्यू फिलन, जॉन रिकॉर्ड, हीराम गार्सिया और इसे स्टारिंग दिए हैं ड्वेन जॉनसन, नाओमी हैरिस, मालिन करमैन, जो मैकनीलो, जैक लेसी, मार्लर सेल्टन, जेफरी डीन मॉर्गन और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए हैं जैरन प्रेजेंट, एडिट किए हैं जिम में बॉबी डिस्को, म्यूजिक दिए हैं एंड्रयू लॉकिंगटन, प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा, एक्सेस एंटरटेनमेंट अनक्रेडिटेड, ड्यू एंटरटेनमेंट अनक्रेडिटेड, फिल्मी फ्लाइन पिक्चर कंपनी व्रिगली पिक्चर, एएसएपी एंटरटेनमेंट, सेवन बॉक्स प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रोस पिक्चर। रिलीज डेट है अप्रैल 4, 2018, माइक्रोसॉफ्ट थिएटर अप्रैल 13, 2018 यूनाइटेड स्टेट। रनिंग टाइम 107 मिनट। ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है 120 से 140 मिलियन डॉलर और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 428 मिलियन डॉलर। चलिए फ्रेंड इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। ड्वेन जॉनसन डेविस ऑक्यो के रूप में, कैट कैल्डवेल के रूप में, नाओमी हैरिस, जॉर्ज, लीजी और राल्फ के उत्परिवर्तन का कारण बनने वाले रोग जनक के लिए जिम्मेदारी कंपनी एंड जिसके साइलो के लिए एडविडन के रूप में, मालिन एकरमैन और जैकी लेसी ब्रेड वीटन के रूप में, एक निजी सैन्य समूह के नेता ब्रक के रूप में जो मैकनीलो, जेफरी डीन मॉर्गन हॉर्स रसेल के रूप में, नेल्सन के रूप में, बीज बर्नर, कैरी एक्टिस एक वैज्ञानिक के रूप में, मॉल सैल्टन कॉर्नल ब्लैक के रूप में, डेमेट्रियस क्रोस कॉर्नर के रूप में, जैक क्वेट एमी के रूप में, ब्रेन हिल जमीटा के रूप में, मैट ग्रोलार्ड एडेड पार्क के रूप में, विल यून ली कैरी के रूप में, उरीजा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रैम्पेज मूवी के बारे में बताने रहे हैं जब 3 अलग अलग जानवर एक खतरनाक रोगजनक के संक्रमित हो जाते हैं तो एक प्राइमेटोलॉजिस्ट और एक आनुवंशिकविद उन्हें शिकागो को नष्ट करने से रोकने के लिए टीम बनाते हैं। एथेना एक जीन हेरफेर कंपनी एनर्जी से स्वामित्व वाला एक अंतरिक्ष स्टेशन एक प्रयोगशाला चूहे के उत्परिवर्तित के कहर बर पाने के बाद नष्ट हो जाता है। डॉक्टर कैरी एटिकस अगले जीवित चालाक दल के सदस्य को सीआईलो क्लेयर वेडन द्वारा एक रोगजनक वाले अनुसाधन कण स्तरों को पुनः प्राप्त करने के आदेश दिया गया है। जब स्टेशन फट जाता है तो एटकिस एस्केप पॉड से भागने में सक्षम हो जाता है, लेकिन चूहे से नुकसान के कारण यह फिर से प्रवेश करने पर बिखर जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। गिरने वाले टुकड़े संयुक्त राज्य भर में मलबे का एक निशान छोड़ते हैं, जिसमें फ्लोरिडा में एवरग्लेड्स में शामिल है, जहां एक अमेरिका मगरमच्छ द्वारा एक कनस्तर का सेवन किया जाता है। और वायोमिंग में एक जंगल जहां एक के भेड़ियां रोगजनक के संपर्क में है। प्राइमेटोलॉजिस्ट डेविस आक्यो एक पूर्व अमेरिकी सेना के विशेष बल सैनिक और एक अवैध शिकार विरोधी इकाई के सदस्य सैन डिएगो वन्यजीव अभयारण्य के में काम करते हैं। उसने जॉर्ज नाम के एक दुर्लभ आलिबनो पश्चिमी तराई गोरिल्ला से मित्रता की है, जिसने उसे शिकारियों से बचाए हैं। और सांकेतिक भाषा और हाथ के इशारों का उपयोग करके जॉर्ज के साथ संचार करता है। रात में कनस्तरों में से एक जॉर्ज के आवास में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और जॉर्ज रोगजनक के संपर्क में आ जाता है। प्राइमेटोलॉजिस्ट डेविस यानी कि डेवन जॉनसन जॉर्ज के साथ एक अटूट बंधन साझा करता है, जो असाधारण रूप से बुद्धिमान सिल्वरबैक गोरिल्ला है, जो युवा होने के बाद से उसकी देखभाल में है। जब एक लालच से भरे निगम का अनुवांशिक प्रयोग गड़बड़ जाता है तो जॉर्ज और देश भर के अन्य जानवरों को आक्रामक सुपर क्रिएचर में बदल दिया जाता है, जो उनके रास्ते में सब कुछ नष्ट कर देते हैं। एड्रेनालाइन से भरी इस सवारी में डेविस ने केवल एक वैश्विक तबाही को रोकने के लिए बल्कि उससे भयानक प्राणी को बचाने के लिए भी एक मार्ग खोजने की कोशिश करता है, जो कभी उसका दोस्त था। जॉर्ज के साथ एक विशेष बंधन साझा करते हुए एक असाधारण अलीबानो सिल्वरबैक गोरिल्ला डेविस ओकोए एक सेवानिवृत्त अमेरिकी सेना के सैनिक और अब एक सैन डिएगो वाइल्डलाइफ प्रिजर्व प्राइमेटोलॉजिस्ट देखता है कि जब उसका बुद्धिमान साथी गलती से डॉक्टर केट कैल्डवेल के जीन के संपर्क में आ जाता है तो उसकी दुनिया उलट जाती है। चलिए कुछ डिटेल जान लेते हैं रैम्पेज मूवी के बारे में। रैम्पेज 2018 की अमेरिकन साइंस फिक्शन मॉन्स्टर फिल्म है जिसे डायरेक्ट की हैं ब्राड पीटन। ब्राड पीटन और इसे स्क्रीन प्ले दिए हैं रयान एंकल, कार्लटन क्यूसे, रयान जे कोडालू, एडम एसेटिकियल और इसे स्टोरी दी है रयान एंगल और इसे प्रोड्यूस किए हैं ड्वेन जॉनसन, ब्रैड पेटन, ब्यू फिलन, जॉन रिकॉर्ड, हिराम गार्सिया और इसे स्टारिंग दिए हैं ड्वेन जॉनसन, नाओमी हैरिस, मालिन करमैन, जो मैकनीलो, जैक लेसी, मॉर्लर सेल्टन, जेफरी डीन मॉर्गन और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए हैं जैरन प्रेजेंट, एडिट किए हैं जिम में बॉबी डिस्को, म्यूजिक दिए हैं एंड्रयू लॉकिंगटन, प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा, एक्सेस एंटरटेनमेंट अनक्रेडिटेड, ड्यू एंटरटेनमेंट अनक्रेडिटेड, फिल्मी फ्लाइन पिक्चर कंपनी व्रिगली पिक्चर, ASAP एंटरटेनमेंट, सेवन बॉक्स प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रोस पिक्चर, रिलीज डेट है अप्रैल 4, 2018, माइक्रोसॉफ्ट थिएटर अप्रैल 13, 2018, यूनाइटेड स्टेट। रनिंग टाइम 107 मिनट। ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है 120 से 140 मिलियन डॉलर और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 428 मिलियन डॉलर। चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। ड्वेन जॉनसन डेविस ऑकियो के रूप में, कैट कैल्डवेल के रूप में, नाओमी हैरिस, जॉर्ज, लीजी और राल्फ के उत्परिवर्तन का कारण बनने वाले रोगजनक के लिए जिम्मेदारी कंपनी एंड जिसके साइलो के लिए एडविडन के रूप में, मालिन एकरमैन और जैकी लेसी, ब्रैड पीटन के रूप में, एक निजी सैन्य समूह के नेता ब्रॉक के रूप में, जो मैकनीलो, जेफरी डीन मॉर्गन और रसेल के रूप में, नेल्सन के रूप में, बीज बर्नर, कैरी एक्टिस एक वैज्ञानिक के रूप में, मॉल सैल्टन, कॉर्नल ब्लैक के रूप में, डेमेट्रियस क्रोस कॉर्नर के रूप में, जैक क्वेट एमी के रूप में, ब्रेन हिल जमीटा के रूप में, मैट ग्रोलार्ड एडेड पार्क के रूप में, विल यून ली कैरिक के रूप में, उरीजा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। Thanks for watching this video. हेलो फ्रेंड्स, आज हम रैम्पेज मूवी के बारे में बताने रहे हैं जब तीन अलग अलग जानवर एक खतरनाक रोगजनक के संक्रमित हो जाते हैं तो एक प्राइमेटोलॉजिस्ट और एक आनुवंशिक वेद उन्हें शिकागो को नष्ट करने से रोकने के लिए टीम बनाते हैं। एथेना एक जीन हेरफेर कंपनी एनर्जी से स्वामित्व वाला एक अंतरिक्ष स्टेशन, एक प्रयोगशाला, चूहे के उत्परिवर्तित के कहर बर पाने के बाद नष्ट हो जाता है। डॉक्टर कैरी एटिकस अगले जीवित 4 लाख दल के सदस्य को सीआईलो क्लेयर वेडन द्वारा एक रोगजनक वाले अनुसंधान कन स्तरों को पुनः प्राप्त करने के आदेश दिया गया है। जब स्टेशन फट जाता है तो एटकिस एस्केप पॉड से भागने में सक्षम हो जाता है, लेकिन चूहे से नुकसान के कारण यह फिर से परवेश करने पर बिखर जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। गिरने वाले टुकड़े संयुक्त राज्य भर में मलबे का एक निशान छोड़ते हैं, जिसमें फ्लोरिडा में एवरग्लेड्स में शामिल है, जहां एक अमेरिका मगरमच्छ द्वारा एक कनस्तर का सेवन किया जाता है, और वायोमिंग में एक जंगल जहां एक के भेड़ियां रोगजनक के संपर्क में है। प्राइमेटोलॉजिस्ट डेविस आक्यो एक पूर्व अमेरिकी सेना के विशेष बल सैनिक और एक अवैध शिकार विरोधी इकाई के सदस्य सैन डिएगो वन्यजीव अभयारण्य के में काम करते हैं। उसने जॉर्ज नाम के एक दुर्लभ अलीबनो पश्चिमी तराई गोरिल्ला से मित्रता की है, जिसने उसे शिकारियों से बचाए हैं और सांकेतिक भाषा और हाथ के इशारों का उपयोग करके जॉर्ज के साथ संचार करता है। रात में कनस्तरों में से एक जॉर्ज के आवास में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और जॉर्ज रोगजनक के संपर्क में आ जाता है। प्राइमेटोलॉजिस्ट डेविस यानी कि डेवन जॉनसन जॉर्ज के साथ एक अटूट बंधन साझा करता है, जो असाधारण रूप से बुद्धिमान सिल्वरबैक गोरिल्ला है, जो युवा होने के बाद से उसकी देखभाल में है। जब एक लालच से भरे निगम का अनुवांशिक प्रयोग गड़बड़ जाता है, तो जॉर्ज और देश भर के अन्य जानवरों को आक्रामक सुपर क्रिएचर में बदल दिया जाता है, जो उनके रास्ते में सब कुछ नष्ट कर देते हैं। एड्रेनालाइन से भरी इस सवारी में डेविस ने केवल एक वैश्विक तबाही को रोकने के लिए बल्कि उससे भयानक प्राणी को बचाने के लिए भी एक मार्ग खोजने की कोशिश करता है, जो कभी उसका दोस्त था। जॉर्ज के साथ एक विशेष बंधन साझा करते हुए एक असाधारण अलीबानो सिल्वरबैक गोरिल्ला डेविस ओकोए एक सेवानिवृत्त अमेरिकी सेना के सैनिक और अब एक सैन डिएगो वाइल्डलाइफ प्रिजर्व प्राइमेटोलॉजिस्ट देखता है कि जब उसका बुद्धिमान साथी गलती से डॉक्टर केट कैल्डवेल के जीन के संपर्क में आ जाता है, तो उसकी दुनिया उलट जाती है। चलिए कुछ डिटेल जान लेते हैं रैम्पेज मूवी के बारे में। रैम्पेज 2018 की अमेरिकन साइंस फिक्शन मॉन्स्टर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट की हैं ब्राड पीटन। और इसे स्क्रीन प्ले दिए हैं रयान एंकल, कार्लटन क्यूस, रयान जे कोडालू, एडम एसेटिकियल। और इसे स्टोरी दिए हैं रयान एंगल और इसे प्रोड्यूस किए हैं ड्वेन जॉनसन, ब्रैड पेटन, ब्यू फिलन, जॉन रिकॉर्ड, हिराम गार्सिया और इसे स्टारिंग दिए हैं ड्वेन जॉनसन, नाओमी हैरिस, मालिन करमैन, जो मैकनीलो, जैक लेसी, मार्लर सेल्टन, जेफरी डीन मॉर्गन और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए हैं जैरन प्रेजेंट, एडिट किए हैं जिम में बॉबी डिस्को, म्यूजिक दिए हैं एंड्रयू लॉकिंगटन, प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा, एक्सेस एंटरटेनमेंट अनक्रेडिटेड, ड्यू एंटरटेनमेंट अनक्रेडिटेड, फ्लाइन पिक्चर कंपनी, व्रिगली पिक्चर, ASAP एंटरटेनमेंट, सेवन बॉक्स प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रोस पिक्चर, रिलीज डेट अप्रैल 4, 2018 माइक्रोसॉफ्ट थिएटर, अप्रैल 13, 2018 यूनाइटेड स्टेट। रनिंग टाइम 107 मिनट। ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है। इसका बजट है 120 से 140 मिलियन डॉलर और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 428 मिलियन डॉलर। चलिए फ्रेंड, इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। ड्वेन जॉनसन डेविस ऑक्यो के रूप में, कैट कैल्डवेल के रूप में, नाओमी हैरिस, जॉर्ज, लीजी और राल्फ के उत्परिवर्तन का कारण बनने वाले रोगजनक के लिए जिम्मेदारी कंपनी एनजी के साइलो के लिए एडविडन के रूप में, मालिन एकरमैन और जैकी लेसी ब्रेड वीटन के रूप में, एक निजी सैन्य समूह के नेता ब्रक के रूप में, जो मैकनीलो, जेफरी डीन मॉर्गन और रसेल के रूप में, नेल्सन के रूप में, बीज बर्नर, कैरी एक्टिस एक वैज्ञानिक के रूप में, मॉल सैल्टन, कॉर्नल ब्लैक के रूप में, डेमेट्रियस क्रोस कॉर्नर के रूप में, जैक क्वेट एमी के रूप में, ब्रेन हिल जमीटे के रूप में, मैट ग्रोलार्ड एडेड पार्क के रूप में, विल यून ली कैरिक के रूप में, उरीजा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। Thanks for watching this video. हेलो फ्रेंड्स, आज हम रैम्पेज मूवी के बारे में बता रहे हैं, जब 3 अलग अलग जानवर एक खतरनाक रोगजनक के संक्रमित हो जाते हैं तो एक प्राइमेटोलॉजिस्ट और एक आनुवंशिक वेद उन्हें शिकागो को नष्ट करने से रोकने के लिए टीम बनाते हैं। एथेना एक जीन हेरफेर कंपनी एनर्जी से स्वामित्व वाला एक अंतरिक्ष स्टेशन, एक प्रयोगशाला, चूहे के उत्परिवर्तित के कहर बरपाने के बाद नष्ट हो जाता है। डॉक्टर कैरी एटिकस अगले जीवित 4 लाख दल के सदस्य को सीआईलो क्लेयर वेडन द्वारा एक रोगजनक वाले अनुसाधन कन स्तरों को पुनः प्राप्त करने के आदेश दिया गया है। जब स्टेशन फट जाता है तो एटकिस एस्केप पॉड से भागने में सक्षम हो जाता है, लेकिन चूहे से नुकसान के कारण यह फिर से प्रवेश करने पर बिखर जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। गिरने वाले टुकड़े संयुक्त राज्य भर में मलबे का एक निशान छोड़ते हैं, जिसमें फ्लोरिडा में एवरग्लेड्स में शामिल है, जहां एक अमेरिका मगरमच्छ द्वारा एक कनस्तर का सेवन किया जाता है, और वायोमिंग में एक जंगल जहां एक के भेड़िया रोगजनक के संपर्क में है। प्राइमेटोलॉजिस्ट डेविस आक्यो एक पूर्व अमेरिकी सेना के विशेष बल सैनिक और एक अवैध शिकार विरोधी इकाई के सदस्य सैन डिएगो वन्यजीव अभयारण्य के में काम करते हैं। उसने जॉर्ज नाम के एक दुर्लभ अलीबनो पश्चिमी तराई गोरिल्ला से मित्रता की है, जिसने उसे शिकारियों से बचाए हैं और सांकेतिक भाषा और हाथ के इशारों का उपयोग करके जॉर्ज के साथ संचार करता है। रात में कनस्तरों में से एक जॉर्ज के आवास में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और जॉर्ज रोगजनक के संपर्क में आ जाता है। प्राइमेटोलॉजिस्ट डेविस यानी कि डेवन जॉनसन जॉर्ज के साथ एक अटूट बंधन साझा करता है, जो असाधारण रूप से बुद्धिमान सिल्वरबैक गोरिल्ला है, जो युवा होने के बाद से उसकी देखभाल में है। जब एक लालच से भरे निगम का अनुवांशिक प्रयोग गड़बड़ जाता है तो जॉर्ज और देश भर के अन्य जानवरों को आक्रामक सुपर क्रिएचर में बदल दिया जाता है, जो उनके रास्ते में सब कुछ नष्ट कर देते हैं। एड्रेनालाइन से भरी इस सवारी में डेविस ने केवल एक वैश्विक तबाही को रोकने के लिए बल्कि उससे भयानक प्राणी को बचाने के लिए भी एक मार्ग खोजने की कोशिश करता है, जो कभी उसका दोस्त था। जॉर्ज के साथ एक विशेष बंधन साझा करते हुए एक असाधारण अलीबानो सिल्वरबैक गोरिल्ला डेविस ओको एक सेवानिवृत्त अमेरिकी सेना के सैनिक और अब एक सैन डिएगो वाइल्डलाइफ प्रिजर्व प्राइमेटोलॉजिस्ट देखता है कि जब उसका बुद्धिमान साथी गलती से डॉक्टर केट कैल्डवेल के जीन के संपर्क में आ जाता है तो उसकी दुनिया उलट जाती है। चलिए कुछ डिटेल जान लेते हैं रैम्पेज मूवी के बारे में। रैम्पेज 2018 की अमेरिकन साइंस फिक्शन मॉन्स्टर फिल्म है। इसे डायरेक्ट की हैं ब्राड पीटन। और इसे स्क्रीन प्ले दिए हैं रयान एंकल, कार्लटन क्यूसे, रयान जे कोडालू, एडम एसेटिकियल और इसे स्टोरी दी है रयान एंगल और इसे प्रोड्यूस किए हैं ड्वेन जॉनसन, ब्रैड पेटन, ब्यू फिलन, जॉन रिकॉर्ड, हिराम गार्सिया और इसे स्टारिंग दिए हैं ड्वेन जॉनसन, नाओमी हैरिस, मालिन करमैन, जो मैकनीलो, जैक लेसी, मॉर्लर सेल्टन, जेफरी डीन मॉर्गन और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए हैं जैरन प्रेजेंट, एडिट किए हैं जिम में बॉबी डिस्को, म्यूजिक दिए हैं एंड्रयू लॉकिंगटन, प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा, एक्सेस एंटरटेनमेंट अनक्रेडिटेड, ड्यून एंटरटेनमेंट अनक्रेडिटेड, फ्लाइन पिक्चर कंपनी, व्रिगली पिक्चर, एएसएपी एंटरटेनमेंट, सेवन बॉक्स प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रोस पिक्चर, रिलीज डेट अप्रैल 4, 2018 माइक्रोसॉफ्ट थिएटर, अप्रैल 13, 2018 यूनाइटेड स्टेट। रनिंग टाइम 107 मिनट। ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है। इसका बजट है 120 से 140 मिलियन डॉलर और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 428 मिलियन डॉलर। चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। ड्वेन जॉनसन डेविस ऑक्यो के रूप में, कैट कैल्डवेल के रूप में, नाओमी हैरिस, जॉर्ज, लीजी और राल्फ के उत्परिवर्तन का कारण बनने वाले रोगजनक के लिए जिम्मेदारी कंपनी एंड जिसके साइलो के लिए एडविडन के रूप में मालिन एकरमैन और जैकी लेसी ब्रेड विटन के रूप में एक निजी सैन्य समूह के नेता ब्रक के रूप में जो मैकेनिलो, जेफरी डीन मॉर्गन और रसेल के रूप में, नेल्सन के रूप में, बीज बर्नर, कैरी एक्टिस एक वैज्ञानिक के रूप में, मॉल सैल्टन, कॉर्नल ब्लैक के रूप में, डेमेट्रियस क्रोस कॉर्नर के रूप में, जैक क्वेट एमी के रूप में, ब्रेन हिल जमीटा के रूप में, मैट ग्रोलार्ड एडेड पार्क के रूप में, विल यून ली कैरिक के रूप में, उरीजा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रैम्पेज मूवी के बारे में बताने रहे हैं, जब तीन अलग अलग जानवर एक खतरनाक रोगजनक के संक्रमित हो जाते हैं तो एक प्राइमेटोलॉजिस्ट और एक आनुवंशिकविद उन्हें शिकागो को नष्ट करने से रोकने के लिए टीम बनाते हैं। एथेना एक जीन हेरफेर कंपनी एनर्जी से स्वामित्व वाला एक अंतरिक्ष स्टेशन एक प्रयोगशाला चूहे के उत्परिवर्तित के कहर बर पाने के बाद नष्ट हो जाता है। डॉक्टर कैरी एटिकस अगले जीवित चालाक दल के सदस्य को सीआईलो कैलेयर वेडेन द्वारा एक रोगजनक वाले अनुसाधन कन स्तरों को पुनः प्राप्त करने के आदेश दिया गया है। जब स्टेशन फट जाता है तो एटकिस एस्केप पॉड से भागने में सक्षम हो जाता है, लेकिन चूहे से नुकसान के कारण यह फिर से प्रवेश करने पर बिखर जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। गिरने वाले टुकड़े संयुक्त राज्य भर में मलबे का एक निशान छोड़ते हैं, जिसमें फ्लोरिडा में एवरग्लेड्स में शामिल है, जहां एक अमेरिका मगरमच्छ द्वारा एक कनस्तर का सेवन किया जाता है और वायोमिंग में एक जंगल जहां एक के भेड़ियां रोगजनक के संपर्क में है। प्राइमेटोलॉजिस्ट डेविस आक्यो एक पूर्व अमेरिकी सेना के विशेष बल सैनिक और एक अवैध शिकार विरोधी इकाई के सदस्य सैन डिएगो वन्यजीव अभयारण्य के में काम करते हैं। उसने जॉर्ज नाम के एक दुर्लभ अलीबनो पश्चिमी तराई गोरिल्ला से मित्रता की है, जिसने उसे शिकारियों से बचाए हैं और सांकेतिक भाषा और हाथ के इशारों का उपयोग करके जॉर्ज के साथ संचार करता है। रात में कनस्तरों में से एक जॉर्ज के आवास में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और जॉर्ज रोगजनक के संपर्क में आ जाता है। प्राइमेटोलॉजिस्ट डेविस यानी कि ड्वेन जॉनसन जॉर्ज के साथ एक अटूट बंधन साझा करता है जो असाधारण रूप से बुद्धिमान सिल्वरबैक गोरिल्ला है जो युवा होने के बाद से उसकी देखभाल में है। जब एक लालच से भरे निगम का अनुवांशिक प्रयोग गड़बड़ जाता है तो जॉर्ज और देश भर के अन्य जानवरों को आक्रामक सुपर क्रिएचर में बदल दिया जाता है जो उनके रास्ते में सब कुछ नष्ट कर देते हैं। एड्रेनालाइन से भरी इस सवारी में डेविस ने केवल एक वैश्विक तबाही को रोकने के लिए बल्कि उससे भयानक प्राणी को बचाने के लिए भी एक मार्ग खोजने की कोशिश करता है जो कभी उसका दोस्त था। जॉर्ज के साथ एक विशेष बंधन साझा करते हुए एक असाधारण अलीबानो सिल्वरबैक गोरिल्ला डेविस ओकोए एक सेवानिवृत्त अमेरिकी सेना के सैनिक और अब एक सैन डिएगो वाइल्डलाइफ प्रिजर्व प्राइमेटोलॉजिस्ट देखता है कि जब उसका बुद्धिमान साथी गलती से डॉक्टर केट कैल्डवेल के जीन के संपर्क में आ जाता है तो उसकी दुनिया उलट जाती है। चलिए कुछ डिटेल जान लेते हैं रैम्पेज मूवी के बारे में। रैम्पेज 2018 की अमेरिकन साइंस फिक्शन मॉन्स्टर फिल्म है। इसे डायरेक्ट की हैं ब्राड पीटन। और इसे स्क्रीन प्ले दिए हैं रयान एंकल, कार्लटन क्यूसे, रयान जे कोडालू, एडम एसेटिकियल और इसे स्टोरी दी है रयान एंगल और इसे प्रोड्यूस किए हैं ड्वेन जॉनसन, ब्रैड पेटन, ब्यू फिलन, जॉन रिकॉर्ड, हिराम गार्सिया और इसे स्टारिंग दिए हैं ड्वेन जॉनसन, नाओमी हैरिस, मालिन करमैन, जो मैकनीलो, जैक लेसी, मॉर्लर सेल्टन, जेफरी डीन मॉर्गन और इसे सिनेमेटोग्राफी दिए हैं जैरन प्रेजेंट, एडिट किए हैं जिम में बॉबी डिस्को, म्यूजिक दिए हैं एंड्रयू लॉकिंगटन, प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा, एक्सेस एंटरटेनमेंट अनक्रेडिटेड, ड्यू एंटरटेनमेंट अनक्रेडिटेड, फ्लाइन पिक्चर कंपनी व्रिगली पिक्चर, ASAP एंटरटेनमेंट, सेवन बॉक्स प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रोस पिक्चर, रिलीज डेट अप्रैल 4, 2018 माइक्रोसॉफ्ट थिएटर, अप्रैल 13, 2018 यूनाइटेड स्टेट। रनिंग टाइम है 107 मिनट। ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है। इसका बजट है 120 से 140 मिलियन डॉलर और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 428 मिलियन डॉलर। चलिए फ्रेंड इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। ड्वेन जॉनसन डेविस ऑक्यो के रूप में, कैट कैल्डवेल के रूप में, नाओमी हैरिस, जॉर्ज, लीजी और राल्फ के उत्परिवर्तन का कारण बनने वाले रोगजनक के लिए जिम्मेदारी कंपनी एनजी के साइलो के लिए एडविडन के रूप में, मालिन एकरमैन और जैकी लेसी ब्रेड वीटन के रूप में, एक निजी सैन्य समूह के नेता ब्रक के रूप में जो मैकनीलो, जेफरी डीन मॉर्गन, हॉर्स रसेल के रूप में, नेल्सन के रूप में, पीस बर्नर, कैरी एक वैज्ञानिक के रूप में, मॉल सैडटन कॉर्नल ब्लैक के रूप में, डे में ट्रियस क्रोस कॉर्नर के रूप में, जैक क्वेट एमी के रूप में, ब्रेन हिल जमीटे के रूप में, मैट ग्रोलार्ड एडेड पार्क के रूप में, विल यून ली कैरी के रूप में, उरीजा तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। Thanks for watching this video.